रोज ख्वाबों में रहता हूँ। मुझे मार देंगे वो, पुलिस ने मुझ पे गोली चलाई है। वो क्या बम फेंकेंगे? तुम्हारी इस आवाज के कारण मैं कितनी परेशान होती हूँ पता है? वो बच्ची वहाँ सो रही है, दया करके चीखना बंद करो। उसे स्कूल भेजना है और फिर कभी उसे बाहर लेकर जाकर कुछ खिलाना पिलाना है। तुम्हारे मन में ऐसे विचार आए हैं क्या? नहीं ना, कभी पुलिस कभी गोली, इसी तरह बड़बड़ाना। मेरी तो किस्मत ही खोटी है। कितने बार मैंने तुमसे कहा है, ये सारे कर्ज और केस के खत्म होते ही हमारी बिटिया को दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कूल में दाखिला दिलाएंगे। तुम्हारी कसम बोल रहा हूँ मैं। 1.5 करोड़ रुपए, इतने ही कर्ज है मेरे। इन कर्जों को चुकाकर अपनी बिटिया की जिंदगी को सवार दूंगा मैं, तुम भी देखना। पानी पियो। रोज तो पिलाते हो ना, बड़ा आया पति देव। हेलो हेलो, हाँ सुबह सुबह तुम लोगों ने शुरू कर दी, अब ये सब कब खत्म करोगे? खा पी के कमरे को इन्होंने नरक 14 बना दिया है और सफाई के लिए रहा ये बेचारा सामी। बहुत दिनों से घर में चावल वगैरह कुछ भी नहीं है, उसकी किसी को परवाह नहीं है। इन्हें केवल टंकी भर ठर्रा चाहिए गटकने को। सुजीत, तुमने एक बार ने कई बार समझाया है कि खाने के पैसों से कभी दारू मत खरीदना। भूख लगी है कहकर तुम कभी मेरे पास मत आ जाना। तुम्हें रोटी मिले या फिर ना मिले, सही वक्त पर दारू मिल रही है ना? सना, क्या है? इस तरह टेररिज्म मत फैलाओ। अगर ऐसी बात है तो हमारी पगार देके हमें आगे भेजो। जोरू को देखे हुए 2 साल हो गए। जिस रितु को मैंने दिलो जान से प्यार किया, वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर। अगर किसी खंबे को साड़ी पहना दो तो तुम उसके पीछे भी भागोगे। सनल, अगर इस तरह की बात करोगे तो हमें भी मुंह खोलना पड़ेगा। बस करो भाई, ये लो इन पैसों से तुम लोग अपने लिए राशन पानी खरीद लेना। साबुन और पेस्ट भी खत्म हो गए। एक बोतल दारू लेके सर पे लगाओ, बाल साफ हो जाएंगे। विजय चाचा, मेरे साथ चलो, इस जरूरी काम से जाना है। अरे थोड़ी सी दारू है ना? ये क्या, फटाफट पैन पहन के। अरे अरे वो ठर्रा की झील में डुबकी लगाते हुए कीड़े कमबख्त मरते भी नहीं कहीं जाके। कुछ नहीं होने वाला और पैसे भी नहीं मिलने वाले, और सोने के ब्याज चुकाने के लिए भी पैसे नहीं है। अरे ब्याज कितने भी चुकाओ लेकिन खत्म नहीं होगा। सब लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं, यहाँ तक आप भी। मैं केजरीवाल नहीं, उसी दिन पैसे मिलते ही चले गए होते। जो जरा हमारी हालत के बारे सोचो। कैसी हालत? इस मामले में तुम लोग सोनी से कम नहीं हो। अरे वाह बेटा, रुको, कहाँ जा रहे हो? हाय, रुक जा। कम ऑन कम ऑन। हाय, शॉपिंग करके आ रहे हो? जी हाँ, थोड़ा सामान लेने गया था। अच्छा, कल तुम अपने कंपनी के ड्राइवर सुजीत को मेरे पास भेज देना। ओमान तक जाना है, लॉन्ग ड्राइव, वो भी इतनी दूर तक जाना मेरे बस की बात नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं उसे बोल देता हूँ। अच्छा। ये लो, इसमें तुम्हारी पसंद की चिकन है, जरा पेपर ज्यादा डालो। पेपर ज्यादा डाल दिया तो फिर दूसरा नहीं खाएगा ना? तुम्हें अपनी बेटी की थोड़ी भी फिक्र है? बहुत स्वार्थी हो, आई नो यू। शुरू हो गई कल्याणी, खामखा किस लिए मेरा दिमाग खराब कर रही हो तुम? पता नहीं क्या हो गया।
बेटे रिमोट कहाँ है? Maximum exposure. Economy has improved. Expert views and critical business information. Keep it on the ship. It's your squawk box. Rich and rich. Sexy, classy. बेटी मम्मी के पास जाओ 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 माँ इसे खोल के देना। मीनू तंग मत करो, जाओ यहाँ से। ये गाना पसंद है तुम्हें? इसकी कोई कमी नहीं। ये क्या कल्याणी, किस लिए दूर दूर भाग रही हो? अच्छे वक्त पे आई हो। क्या वक्त तो अच्छा ही है। चलो छोड़ो, मुझे खाना बनाने दो। अरे रूठो मत कल्याणी। हे चिकन बना रही हो? मटन। तो फिर चिकन कहाँ गई? हाँ बोलो। हेलो किशोर भैया। नहीं किशोर भैया कुछ नहीं हुआ, एक दो रुपये नहीं ना। हाँ अभी देती हूँ। सनल किशोर भैया हैं, उन्हें तुमसे बात करनी है। कोई जरूरी बात करनी है तुमसे। जरूरी बात उसने तुमसे कर ली ना, फिर मुझसे क्या करनी है? प्लीज बात करो ना। हाँ हेलो, मेरी प्रॉब्लम मुझे ही सॉल्व करनी है ना कि आपको। यहाँ की प्रॉब्लम मैं ही सुलझा दूंगा, मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं। और फिर इस मामले में ज्यादा टांग अड़ाने की कोशिश मत करना तुम। हेलो बना लो, सबको दुश्मन बना लो। अब कौन है बोलो? आफत में मदद करने वाले थे वो, उससे भी दुश्मनी मोड़ ली। उन्हें क्या पड़ी है मदद करने की? मेरे भाई होने के नाते उन्होंने मदद की, ये मत भूलो तुम। तुम्हारी अपनी बेटी यहाँ पासपोर्ट के बिना यहाँ रह रही है, वो उनकी नहीं तुम्हारी संतान है। क्या सबूत है? हम दोनों को मार के तुम भी मर जाओ। भूख सहलेगी लेकिन कोई भी औरत ये बात नहीं सह पाएगी। हेलो तुम कैंप में ही हो ना? कुछ नहीं यार, मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे सोनी। अरे मेरे भाई सनल कहाँ भाग रहे हो? तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। अरे तुम्हारा घर मुझे पता है। कल्याणी बहन के हाथ से खाना खाने का मेरा बहुत मन कर रहा है, वो दिन कब आएगा पता नहीं। हाँ अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अरे पैसे कहाँ हैं? हैं? ओ सोनी दो दिन के अंदर चुका दूंगा। घर में भी कुछ नहीं है, एक फूटी कौड़ी नहीं है हाथ में, ब्याज जल्द चुका दूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है तुमसे। तुम जैसा हारा हुआ बिजनेसमैन जिसके ऊपर कई केस दर्ज हैं, उसके बाद भी तुम जैसे दिवालियों को मैंने कर्ज देकर तुम्हारी मदद की, समझे? इसलिए कि तुम मेरे गांव से हो। और रही कल्याणी की बात,
वो तुमसे बिल्कुल खुश नहीं है। उसे गिरवी रख के पैसे तो कमा सकते हो। प्लीज फैमिली के बारे में कुछ गलत मत बोलो, तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा। मैं पीठ पीछे कभी कुछ नहीं बोलता, मुझे मेरे पैसे दे दो मैं चुप रहूंगा। सोनी फिलहाल तुम जाओ यहाँ से, मैं वहां आता हूँ। फिलहाल तो जाता हूँ। वैसे एटीएम से कुछ पैसे निकालकर पॉकेट में रख रहे थे ना तुम, ये मुझे चाहिए। फिलहाल इससे मैं काम चला लूंगा। बाय सनल भैया। ओह जीसस। अरे अरे वो मेरी दारू है। अरे उसे पी के खत्म मत करो, नहीं है दारू। अरे मेरे विजय भाई, जिसने हमें पैदा किया है वही हमारी रक्षा करेंगे। जब देखो कुछ ना कुछ बोलता है। कौन है? अरे सनल होगा, फोन करके बोला कि यहाँ आएगा वो। अरे सुनो, क्या तुम जाके उसे बुला के लाओ। ठीक है देखता हूँ। हाँ? जल्दी बंद करो। हाँ? उस एडवोकेट से अपनी जान बचाकर आ रहा हूँ मैं। हाँ? क्या हुआ? से खुशबू आ रही है। मछली तल रहे हो? कुछ नहीं तल रहा है। आज मैं भी मछली खा के ही जाऊंगा। रम है या ब्रांडी? अरे कुछ भी देखे, अरे रात के रखी है और छोड़ो। हमें एक भी नहीं मिलेगा, ये पूरा खत्म कर देगा। अच्छा तुम्हें भी ये बुरी लत लग गई? तीखी चीजें खा खा कर ये लोग पागल हो गए हैं। सुबह लेटरिन जाते वक्त बहुत जलन होती है भाई। इस दुबई में रहकर मिल्ट्री रम पीने वाला मैं एक ही है और कुत्तों को भी पिलाता हूँ। कुत्ता तू अपने बाप को बोलो। अरे तू कुत्ता नहीं सुअर है। ओ बकवास बंद कर। क्या देख रहे हो, खाना बना रहे? जरा तुम बाथरूम जाकर देख कर आओ। अरे वाह, बाथरूम की सफाई करो। क्या बना कर रखा जरा देखो। ये आदमी पागल है। अरे डेली 3 अंडरवियर धोता है ये पंडित जी, लेकिन हम लोग तो एक महीने में एक ही अंडरवियर धोता है भाई। अरे कौन है, कौन है? ओनू कल्याणी का फोन है, बेचारी बुला रही है मुझे। अरे वो तो नारी है, बेचारी कब बन गई। मैं चला। अरे खर्च के लिए पैसे देना। मेरे पास नहीं है। सुजीत कौन है तो? उसके पास माया का दिया हुआ कुछ पैसे तो होंगे, उसमें से तुम कुछ ले लेना। मैं उसको भेजता हूँ जल्दी। ओके तुम लोग पी लेना। हम लोग कैसे पियेंगे, दारू की बोतल खरीद के रखी है क्या? थोड़े बहुत वो भी पी ले, कैसे भरेगा? टैंकर आएगा भर लेना। खाए पेट भर लूंगा। जल बिन मछली, नृत्य बिन मछली। ये लोग रोज रोज नई गाड़ी में जाते हैं और हम उसी खटारे में जाते हैं। मिडिया सो गई, सुला दिया ना। मेरी लाडली। मेरी सो गई। तुम मुझसे खफा हो क्या? कहो ना। प्यार व्यार छोड़ो, जाओ यहाँ से। सॉरी, उस मूड में जानबूझ के नहीं, अनजाने में बोल दिया। खैर छोड़ो, 100 times सॉरी, जरा माफ कर दो ना। सब कुछ करने के बाद बस सॉरी बोलते हो। तुम्हारे पास दारू के लिए पैसे हैं, बस मेरे लिए और बच्चे के लिए पैसे नहीं हैं। बोलो बेटी, तुम्हारे लिए मैंने यहाँ क्या कमी रखी है? बोलो, इस बाबा में क्या कमी है? बोलो। तुम कमियों के पुतले हो,
पास कमियां ही कमियां। तसल्ली हो गई, मतलब पड़ोसन की तरह तो इधर उधर नहीं भागेगी। पड़ोसन माया है ना, वो बड़ी चालू टाइप की है। ओ, बहुत बड़ी खोज की है तुमने। सबसे पहले अपने बारे में सोचो। आराम रखने की तो जरूरत ही नहीं थी, सही समय पर चिल्लाकर जगा देता है। दिमाग खराब कर दिया इस पागल ने। अगर वो उठा के ले गया होता तो पता चलता, इस तरह पेश नहीं आती। कल लो, क्या है, किससे बात कर रही थी? क्यों पूछ रहे हो? यही कि जब मैं बाथरूम में था ना, किसी की आवाज सुनी मैंने। वो माया देवी थी। माया? इतने सवेरे क्या बात हो गई? चाय पत्ती खत्म हो गई। ये क्या है? चाय पत्ती नहीं है, वरना हम चाय बना लेते हैं ना। ओके, चाय पत्ती आते ही बुला लूंगी। हाँ, अच्छा मैं जाके व्यायाम करूँ? हाँ जाइए। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। अरे, अरे तुम हो? किस तरह परेशानी में भी तुम गाना गाते हो। कल्लू ने कुछ नहीं बताया। गाना गा के ही मैंने उसे फंसाया था। हमारे घर में वैसे सब गाते हैं, डैडी भी गाते हैं, तुम गाती हो क्या? नहीं, अक्सर गाना गाया करो ना। परेशानियों के बीच किस तरह तुम गाना गाते हुए टेंशन बिना ही घूम रहे हो, यही पूछ रही थी मैं। बिटिया 7 साल की हो गई है, वो कहाँ की सिटीजन बन के जिएगी? पासपोर्ट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब तुम भी आ गई यहाँ नसीहत देने, उसके लिए पैसों की जरूरत नहीं है ना। इन्हें उपदेश देने से ये सुधरने वाले नहीं है दीदी। हाँ, चाय पत्ती आ गई है, चाय बना दूं क्या? तुम्हारा बहुत भला होगा, यहाँ किसी को तुम्हारी नसीहत की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। चाय? अरे बाप रे, नहीं चाहिए। नीचे जितने भी दुकानदार हैं ना, लड़कियां उनसे उधार मांगे तो कोई बात नहीं, हम अगर उधार मांगेंगे तो नहीं देंगे। तुम जाके जरूरत की चीजें लेकर आना वहां से। मुझसे नहीं होगा, पिछली बार जो चीजें ली थी उसके भी पैसे नहीं दिए हैं। वो हाँ मैं देख लूंगा। इस आदमी ने तो मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है, क्या हो रही है। अरे हाँ सनल, तुम्हारे दिए हुए चेक को बाउंस होके 2 हफ्ते हो गए, उस बात को छोड़ दो। अगस्त में करंट और वाटर का बिल तूने भरा नहीं, सिर्फ तुम ही इस फ्लैट में ऐसे आदमी हो। 2 दिन पहले ही करंट और वाटर को कट करने बोला था, ऊपर से तुम इंडियन हो। तुम्हारी हालत देख के मुझे तरस आ गई, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, मगर अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे मेरे भाई, मेरी नौकरी चले जाएगी। 3-4 दिन की मोहलत दो मुझे, कई साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं ना, मैं भी दूसरों की तरह सही वक्त पर दे रहा था ना। ये सब मुझसे मत बोलो, ये तुम ऑफिस में जाके बोलो। तुम्हारा बिजनेस डूब गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं तुम्हारी तरह बाल बच्चों को भूखा छोड़कर नहीं जा सकता। जबान को लगाम दो। ए, क्या है? ये तुम्हारी जागीर तो नहीं है ना? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, फ्लैट में रहने वालों को गाली देने का हक किसने दिया तुम्हें, मैं जान के ही रहूंगा। चल फुटबे यहाँ से, तू मुझे कानून सिखा रहा है। फुटबे?
कमीना कुत्ता। कभी ना खत्म होने वाली परेशानियाँ। केस की कोई कमी नहीं है, दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। फ्लैट के मालिक ने भी केस दर्ज कर दिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आखिर इस तरह कब तक छुपते रहोगे? अगर हम भी पकड़े गए तो क्या करोगे? तुम लोगों को मैंने उसी दिन कहा था कि तुम्हारा पैसा मैं तुम्हें गांव आके दे दूंगा, लेकिन तुम लोग माने तब ना। तुम लोग गए नहीं और इल्जाम मुझ पे थोप रहे हो। इल्जाम नहीं लगा रहे, आखिर कब तक इंतजार करेंगे? हमें यहाँ से जल्दी भेजो। मुझे लगता है कि खाली के देश में हम लोगों को घुट घुट कर मरना ही पड़ेगा। हाँ वही समझो। तो क्या हुआ? तो हमें घुट घुट कर मरने के लिए तुम यहाँ छोड़ के जा रहे हो? जरा हमारी फैमिली के बारे में सोचो ना। तो तुम लोगों को ख्याल कौन रखे? भाई छोड़ो, चलो। अरे कहाँ तो यहाँ ना भाई, आओ ना। बहुत दिनों से झेल रहा हूँ तुम लोगों को। अरे रुको रुको रुको, आगे चढ़ोगे तो क्या जल्दी उतरो? आगे से चढ़ता हूँ। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आपसे नहीं मिल सके इसलिए वो बहुत गुस्से में है, और फिर प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हम वहाँ आ जाएंगे और फिर हमेशा आपके पास ही रहेंगे। मीनू, दर्द हो रहा है। कौन है? मीनू बिटिया, जरा बुलाओ उसे। बेटी यहाँ आओ, तुम्हारे दादाजी तुमसे बात करना चाहते हैं। जल्दी आओ ना बेटी। मीनू बेटे। आओ माई दीदी, मेरे ससुर जी हैं। अच्छा, कहीं है पड़ोस के बाजू वाली लड़की तो नहीं? हाँ ठीक है, फोन रख दो। सनल से बात करके बहुत दिन हो गए, उससे कहना मुझे फोन करने के लिए। हर महीने वो अपना नंबर बदलता रहता है, मैं उसे कैसे कॉल करूँ? ठीक है बेटे। ठीक है बाबूजी। सनल के डैडी घर में अकेले हैं क्या? उनकी देखभाल के लिए होम नर्स को रखा है वहाँ पर। बाबूजी हमें देखना चाहते हैं, और उनका इकलौता बेटा है मेरे पति सनल। सनल वहाँ नहीं जा सकते हैं, इसीलिए बाबूजी को यहाँ पर लाएंगे, ऐसा बोलते रहते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, ये बाबूजी को पता नहीं है। तुम्हारी सास मर गई फिर भी तुम लोग जा नहीं पाए, इस बार कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। ओह सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। उन्होंने बिटिया को देखा तक नहीं, इसीलिए बोल रही थी मैं। ओह वो सब छोड़ो कल्याणी, आज खाने में क्या स्पेशल है? वो मीनू यहाँ आओ ना। नहीं। सुनो मीनू, आंटी तुम्हें बुला रही है ना? यहाँ आती हूँ तो मुझे चैन मिलता है। दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरी और कोई सहेली भी नहीं है। तुम्हें देखकर मेरा सारा दुख दूर हो जाता है दीदी। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, नहीं तो कहीं नौकरी कर रही होती। उनका फोन है। ओके कल्याणी, मैं चलती हूँ, लंच ब्रेक होगा इसलिए कॉल किया है। मैंने क्यों कट किया? तुम्हें समझना चाहिए, मैं कल्याणी के पास थी। पहचाना नहीं उसने तुम्हें, लेकिन मैं घबरा गई थी। अच्छा सुजीत का ऐसा कौन सा दोस्त है यहाँ? आजकल वो कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। एक तो वीजा पासपोर्ट हाथ में नहीं है, अगर किसी लड़की ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की तो उसका सर धड़ से अलग कर देगा, जानते हो ना? हाँ, वो वहां से इसलिए गायब हुआ कि सोनी के गोडाउन तक पहुंच पाए। सोनी ने उसे फंसा कर रखा हुआ है, अक्सर फोन भी करता है और बाटली भी खरीद के देता है। तो ये बात है, दाल में कुछ काला जरूर है। अक्सर दारू खरीद कर देना, सलाला जाना यहाँ से पैसे कलेक्ट करने के लिए और गुंडागर्दी करने के लिए सोनी भाई उससे बेचता है, सुना मैंने। और उसकी थोड़ी बहुत कमाई तो होती है। कम से कम वो पैसा तो बना रहा है ना, हमारी तरह उल्लू बन के घूम तो नहीं रहा ना। तो फिर एक काम कर, जाके ढाका डाल, नहीं तो किसी लड़की का दल्ला बन जाओ। अरे क्या बोल रहे हो? बहुत हो गया। अरे मोहन ये क्या कर रहे हो? बात के लिए क्यों लड़ रहे हो? क्या उखाड़ेगा? चलो इधर तुम। स्वामी जी आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? चाहे कुछ भी हो उस पर हमें नजर रखनी होगी। अगर कहीं से दो पैसे मिल रहे हैं तो मिलने दो, ये सोचकर मैं भी चुप रहा। अब जाकर पता चला कि वो तो एक नंबर का फ्रॉड है। आओ चलो जाके गाड़ी में बैठो। आज आगे नहीं पीछे बैठेगा तुम। और मैं पीछे बैठ जाओ। आगे से चढ़ू क्या? अरे वो क्या मिलने की, ये मेरी परमानेंट सीट है। मैं चढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम अरबाब। वालेकुम सलाम। What do you want? I'm all right. Where is the rent? I need some more time, Arbab. No. I'll give you 2 more days. Otherwise, I'm going to call the police. Okay? Listen, Arbab. No. Don't waste my time. Go. मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। मुझे कुछ दिन की मोहलत चाहिए। Don't you understand? Go.
जस्ट लीव। कुछ दिन की मोहलत मिल गई। सी यू। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरजू जगाऊं अगर उर्पावे। अरे सनल, सनल, अरे रुक, अरे जल्दी अरे को पागल इस बूढ़े को दौड़ा रहे हो तुम? कितनी बार मैंने तुम्हें फोन किया? कब? तुम हो कि फोन ही नहीं उठाते क्या? और उठाते भी हो तो कहते हो सर मैं मीटिंग में हूँ, मैं बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ। खाक मीटिंग। अरे उल्लू मत बनाओ सनल, मजाक छोड़ो, ये तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं है, ये अरब कंट्री है। अरे अरे रुको, भाग रहा है। अरे कहाँ भाग रहा है? रुको, कहाँ गया ये? अरे कहाँ भाग रहा है? रुक रुक रुक, अरे पकड़ ले, रुक गया। कहाँ भाग रहा है? खुद को पुलिस के हवाले कर दो, जेल जाओगे तो सारे केस से बरी हो जाओगे। अच्छा, इस देश का कानून ही कुछ ऐसा है। अच्छा आप एक काम कीजिए, कल कल सुबह मैं आपके ऑफिस में हाजिर हो जाऊंगा। अरे सनल, तेरे जैसे कईयों को देखा है मैंने। वकील साहब, सब ठीक हो जाएगा, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। अरे तुम्हारे ऊपर 10-15 केस तो दर्ज है विजय माल्या, समझ रहे हो? 420 का तो केस है, खून का तो नहीं। देख, इससे बेहतर है कि 2-3 खून करके आराम से घूमते रहना। तुम्हारे परिवार की हालत से वाकिफ हूँ मैं। और हाँ, अगले महीने की 1 तारीख को तुम उन मजदूरों को यहाँ से भेजने का बंदोबस्त कर दो, और कल तक मुझे मेरे पैसे मिल जाना चाहिए। हाँ अच्छा, तुम्हारे डैडी कैसे हैं? जब भी बेचारा वो फोन करता है तो चोरों की तरह मैं फोन कट करता हूँ। उन्हें मैं किस तरह समझाऊंगा? उन्होंने तुम्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला है। एक और बात, कल सुबह 9 बजे तुम मेरे ऑफिस आ जाना, पैसों के साथ, भूलना मत, सुन लिया ना? मुफ्त में नसीहत देके चले जाते हैं, उसके बदले कुछ पैसे दे दिए होते। यहाँ तो सिर्फ नसीहत देने वाले होते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा कि चाहे किसी भी जरिए से पैसे कमा लो, पैसे में जो ताकत है वो किसी में भी नहीं, और पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मार्केट का पैसा, यहाँ तक आप लोगों से भी, मार्केट से छोटे ब्याज में लेकर 10-15% देकर मैं ज्यादा पैसे कमाता हूँ। यहाँ तक तुम लोगों को भी ब्लैंक चेक दिया है, ये तुम लोग नहीं भूलना। देखिए, हमें 6% देके आप 20% लेते हैं ना, सुनिए 8% दीजिए। पटेल, मैं तुम्हें 8% भी दे सकता हूँ। यूँ मैंने मजाक किया, आप बहुत अच्छे हैं। वो जो मैथ्यू साहब है ना, वो बहुत ही खतरनाक हैं। खतरों से मैं खेलता हूँ, क्योंकि खतरों से खेलना मेरी आदत जो है। तो खतरों से खेलने वाले को अच्छी आमदनी तो होनी चाहिए ना, है ना? सुजीत, तुम चलो मेरे साथ। अच्छा। अरे यार सुजीत, जरा उसका फ्लैट तो दिखाओ ना। दिखा देता हूँ यार। ए सनी भाई, इस पे विश्वास मत करना, इसने मुझसे भी वादा किया था लेकिन वादा निभाया नहीं इसने। सनल की पत्नी कल्याणी और फिर अकाउंटेंट स्वामी को उठवाने का वादा किया था इसने, लेकिन गोविंदा। अरे क्या हो गया तुम्हारे हाथ में? जो अरबपति लौंडा है ना, कमीशन का मामला है यार सुजीत। सोनी भाई, हाँ जरा आप उनको भी साथ में ले लो। Yes. Hey, कल दोपहर तक देखूंगा, उसके बाद बिजली कट करवा दूंगा, और फिर परसों पूरा पैसा नहीं मिला तो बोरिया बिस्तर लेकर बाहर चले जाना। और सुनो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। Hey, पहले इस लिफ्ट की फोन तो ठीक करना तुम। बातें करता लगता है ये मुझसे मार खाए बिना नहीं जाएगा। किराए के लिए क्या सोचा है तुमने? आज क्या करिए, जोरों की भूख लगी है, खा के नहा लूंगा। सुना नहीं तुमने किराया का पैसा मिला कि नहीं? वो नाथुर आया था, कह रहा था कि 2 दिन में अगर किराया नहीं दिया तो हम पर केस ठोक देगा। परसों ही केस, वो मुझसे खेल रहा है जिसके ऊपर 18 केस दर्ज जो है। सुनो, एक नया केस बनाने के लिए कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। सनल मजाक मत करो, करंट और पानी कट किया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ए, ऐसा कुछ नहीं, जानती हो आदम और हव्वा बहुत बरसों तक इन सब के बिना मानव के रूप में जीवन बिताया, हम लोग उनके समान जीवन नहीं बिताएंगे। अजी, हम जीने वाले नहीं हैं, सामूहिक आत्महत्या करेंगे। बेटी की भी फिक्र नहीं है। बीच
बिजली कट करने के खातिर आत्महत्या करने वाली सर्वप्रथम महिला मेरी पत्नी ही होगी। बेटे, हम लोग आज घूमने के लिए जा रहे हैं, तुम रेडी हो जाओ। ठीक है। देखो, उस छोटी बच्ची के मन में आशा के फूल मत खिलाओ तुम। देखो, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही सीरियल देख रही हो, कंप्लीटली बदल गई हो तुम। कलो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। हाँ विजय भाई, हम लोग 2 दिन यहाँ नहीं होंगे, घूमने जा रहे हैं। डैडी, यहाँ तो पहाड़ है। मैं तुम्हें बीच लेके जाऊंगा किसी और दिन। ओके बेटी, अब तो खुश हो ना? डैडी, वही घर है, क्यों ना हम वहाँ तक पैदल चलते हैं? जगह देखकर मुझे डर लग रहा है। अरे कितना मजा आ रहा है, इन पर्वतों के आसपास सिर्फ हम ही हैं। अरे असलम भाई, भाई असलम भाई, चेन है, इसे बेचकर किराया भर दो तुम। ये चेन 2 दिन पहले ही दी होती तो हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जरूरत के बाद कोई नहीं देता है, जब कोई मरने के कगार पे होता है तो फट से मदद करने के लिए आते हैं। बकवास बंद करो, ध्यान से सुनो, इस मंगलसूत्र के अलावा और कुछ नहीं है। कल सुबह ही होकर आओ तुम, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। कल नाश्ते के बाद मैं निकलता हूँ, दुनिया के किसी भी होटल में जाके खाओ, तुम्हारी कुकिंग के सामने वेस्ट है सब। अगर ग्लास के बिजनेस के बदले तुमसे नसीहत लेकर अगर मैं तुम्हें ही कुक बनाकर अच्छा होटल खोलता। मुझे तुम चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ, खाना खाने के बाद तुम चले जाना, ठीक है? पहले मैं इस घड़ी को ठीक करना चाहूंगा। क्या हुआ? मेरा टाइम ही कुछ खराब है। हेलो सनल, मैं सानी बोल रहा हूँ, फटाफट तुम हमारे पास आ जाओ। मामला क्या बताओ? बहुत जरूरी बात है, कहा ना जल्दी आ जाओ, हम बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। हाँ अभी आता हूँ मैं। क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्या प्रॉब्लम है? बात ये है कि सामी, क्या बात है? सामी ने किसी विदेशी पार्टनर से इसकी दोस्ती कराई, जो डॉलर को डबल ट्रबल करके बेचता है। असली डॉलर वो लोग लेकर अफ्रीका भाग गए, इनके पैसे लूट गए, अब ये लोग बेचारे क्या करेंगे? टोनी बोल रहा है असली डॉलर वो लोग इसके हाथ से लेकर भागे, गलती इसी की है, अब रोने से कोई फायदा नहीं, अब हम सब लोग जेल में बैठ के चक्की पीसेंगे। ओ माय गॉड, सब अंदर हो जाएंगे तो ही इसे खुशी मिलेगी। ये और वो सोनी, देख मामला गंभीर है, तूने बिजनेस में पैसे डुबाए, ऐसा मामला नहीं है ये। Shit. स्मगलिंग है स्मगलिंग, आजीवन जेल में सलाखे गिनते रहेंगे हम लोग। इसके पीछे इसका और सोनी का ही हाथ है, हरामखोर बेटा से खुली खड़े नहीं है, तुझे पता है ना? मैंने सोनी के साथ मिलकर किसी को धोखा नहीं दिया, हाथ में पैसे भी नहीं थे, तुम खाम का इल्जाम लगा रहे हो।
गांव जाना तो दुश्वार हो गया। गांव जाके क्या उखाड़े हो तू? तू कहीं नहीं जाएगा, तेरी तो मैं अरे रुको, चुप रहो, छोड़ मुझे। सनल तुम चुप रहो, इस हरामी ने दिमाग से काम लो, मेरी बात सुनो। किसी ना किसी तरह से इनके पैसे सेट कैसे सेटल करूं? जो होना था वो हो गया। आप बहुत भूल जाइए, इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Stop it, the both of you. Give me the bag. Give it to me. Give. Take this bag and get my cash back. It's not ये mine. ये मेरा bag नहीं है. This is not my bloody bag. No, you are the boss. Give me back my money or else I'll shoot you. You might. I have no money, please. बस क्यों ले रहे हो? Oh God. अरे हाथ में दम्बूक है. This is not enough. Please try to understand. I need more money, okay? I have no money at all. And if you don't give me back my money, I'll kill you. I swear I'm not joking. मेरी कार की चाबी. मेरी कार की चाबी. Where's my money? Give it back please. To me. My car. Take your bag. Your car, your engine, everything's finished. Go find it in the scrapyard. Let's go. Oh, तू खुश है ना तू? देखा किस तरह बुरा बार यार? आज जिसकी चाल नहीं चल रहा हूँ। किराए का पैसे मिल गया ना? जवाब दो सनल, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? हमें बिजली और पानी की जरूरत नहीं है, हम किशोर भैया से पैसे मंगवाते हैं। आओ आओ, कम से कम मेरी बात तो माना करो। आओ, तीन दिन की जो पैसा मिला, आज उन पैसों को सुजीत के कारण मुझे गंवाना पड़ा, पता है? क्या करूँ मैं? चलो हम लोग। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? प्लीज वहाँ प्लीज आओ, आओ बेटी। हाँ। कल्याणी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ठीक है, हाँ हाँ, ओके। किसका फोन है? हाँ, हाँ, हेलो, एक सेकेंड। हेलो, ये लीजिए रिसीप्ट। टिल डेट तक भुगतान किया मैंने, कम से कम अब तो अच्छी तरह जीने की कोशिश करो। तुम जाओ यहाँ से। हाँ बोलिए। यहाँ फैसला करने वाला कौन है? इसका भुगतान किसने किया? ओ, समझ गया, तुम्हारा वो किशोर होगा। तूने मेरी चेन और बिटिया की चेन को बेचकर किसी और को दिया। मुझे गाली देना बंद करके उस कमीने से पैसे लेकर आओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? मत कहता है खुद को। जब से कंगाल बनाओ तब से देख रहा हूँ मैं, तुम बदल गई हो। अगर मैं यहाँ रुका तो वो सब देखना पड़ेगा जो नहीं देखना चाहता। मेरा बिजनेस, मेरे सबने सब कुछ तुमने चकनाचूर कर दिया, अब क्या उखाड़ेगा तू? यार सनल बैठो ना, मैं बाराती बन के नहीं आया यहाँ। क्या चाहते हो तुम मुझसे? मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन याद रखना तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। जख्मी शेर हूँ मैं, उसने मेरी मर्दानगी को चुनौती दी है, पता है? ये उन सब केसों से अहम है मेरे लिए। तेरा खून करके मैं जेल में जिंदगी गुजार लूंगा, कल जो कुछ भी हुआ उसमें तेरा और सुजीत का ही हाथ है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हरामखोर पे सही कहा, काफी अकलमंद हो, मगर तुम्हारा ये गुस्सा तुमको ले डूबेगा, वरना तुम यहाँ आके मुझे चुनौती देके खुशी से यहाँ नहीं जी पाओगे। अपने आप को बचाने के लिए मुझे मारना होगा तुमको, नहीं तो फिर मैं तुम्हें यहीं टपका दूंगा। हरामखोर, मुझसे मत भिड़ना तू।
तो फिर मिलते हैं। जरूर मिलेंगे। Where is Sanal? We are from the police department. Call him fast. Sanal? Kya hai? Sanal? Haan? Kaun hai? Sanal. Wo? Come. Tum Sanal, come. Karo, tum andar jao. Sanal? Just come. Mujhe kuch nahi hoga. Meri baat mano, mujhe kuch nahi hoga. Sanal? One minute, sir. Kahan le ja rahe? Please, one minute, sir. Sir, please. Sanal? Don't understand me, please. Kalyani, meri baat suno, tum andar jao. Just come. Sir, please, come one minute. Mujhe meri wife se baat karne do. Vakil aur Sami bhai ko phone karna. इसके पीछे जरूर सोनी का हाथ है, तुम फिक्र मत करो। वैसे सिर्फ वही एक सॉल्यूशन है और इस कारण मुझे इस तरह का फैसला लेना पड़ा। आप बेफिक्र रहिए। अच्छा मास्टर जी, मैं कल्याणी से बात करके सारा इंतजाम करने के बाद आपको फोन करता हूं। ठीक है मास्टर जी, ने क्या बोला? मैंने पहले से इसकी सूचना दी थी, इसलिए वो परेशान नहीं हुए। हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो सारे कर्ज चुकाओ या फिर आत्मसमर्पण, तभी हम लीगली मूव कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बेटी के लिए पासपोर्ट बनाना, ट्रैवल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये काफी है कल्याणी, सनल जिससे भी जो भी कर्ज लिए हैं उससे चुकाना इतना आसान नहीं है, और सनल कभी सरेंडर भी नहीं करने वाला है। तो फिर वकील साहब की बात मानने में ही हमारी भलाई है कल्याणी। ओके किशोर। सनल, तुम्हारे साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए ही कल्याणी को यह सब सहन करना पड़ा। सब तुम्हारी गलतफहमी थी सनल, आइंदा उसे दुखी मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। सनल भाई, इनकी बातों में मत जाइए। सनल भाई, सनल भाई। I need my money back. सूद सहित मुझे मेरे पैसे चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, और जिसने मुझसे पैसे लिए उससे पैसे वसूलने के लिए मेरे पास गुंडे भी नहीं है। प्लीज मेरा विश्वास करो। उस लड़की को दिखाकर मुझे फंसाने की कोशिश की है ना? अब ये डॉक्यूमेंट है उसका जवाब। अब तुम मुझसे बच के भाग नहीं सकते। तुम्हारा काउंटडाउन शुरू हो गया है सोनी, गुड बाय। अगर कल्याणी नाम की उस लड़की पर मेरा दिल आ गया है तो मैं उसे उठा लूंगा, उसके लिए तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। चलो। ओके, अब तुम दोनों खुशी खुशी जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना। ओके बाय। चलो। Meet my friend Hamid Yusuf.
स्वामी के सहारे हम ही वहां पहुंचेगा। सो डेल, द गेम स्टार्ट्स फॉर यू कल्याणी। ओके सर। Let's go, my dear, let's go. हमिद भाई, कमाल कर दिया आपने, ऋतिक रोशन को भी हिला दिया। एक बात पूछो आपसे, बॉलीवुड में क्यों नहीं जाते आप? नो नो, इट्स जस्ट अ रिहर्सल, खेल तो अभी शुरू होने वाला है। यू गॉट इट? लेट्स गो। मैं यहीं वेट करूंगा। ओके, गुड लक। ठीक है। हेलो, आई एम स्पीकिंग टू हमी यूसुफ। ज़ैन, द गेम स्टार्ट्स नाउ, शी विल बी देयर विद इन सेकंड्स। माफी मुश्किल। ओके। तुम्हारे और किशोर के कहने के मुताबिक मैं इस कहानी को इस तरह से उनके सामने पेश करने वाला हूँ। होटल बिजनेस तो बहुत ही अच्छा है, मगर जो भी हो फैसला आप कर लीजिए। दो दिन में मुझे खबर कर देना। ओके। आपको और भी हिसाब सेटल करने हैं ना? होटल का नया ब्रांच खोलने के लिए कैश शॉर्ट हो गए तो क्या करेंगे? ऐसे हालात में कैसे हम पैसे निकालेंगे? कुछ दिन रुकिए, थोड़ी बहुत बिजनेस को चलने तो दीजिए, फिर मिलते हैं। कल्याणी, चलो तुमसे एक बात करनी। हाँ। है। हेलो किशोर जी। हाँ, प्लान के मुताबिक पुलिस की रेड हो गई, लेकिन एक छोटी सी बात हो गई। वो गोडाउन डॉक्यूमेंट सोनी के नाम पे नहीं है, उसके पार्टनर मुख्तार के नाम पे है। एज अ मैटर, उसका कैश जब्त हो गया। ओके। माय डियर फ्रेंड हमी यूसुफ। सर, हम किस आदमी के बारे में सोचते थे, अभी वो जेल में है सर। डोंट वरी सर, और एक जबरदस्त आदमी है सर, पी के आर। वो आदमी एक प्रोफेशनल किलर, ट्राई। वो अभी पेरोल में बाहर आया, आज संडे होने की वजह से होटल ताज में रहूंगा करके बोला। ओके सर। पीके कौन है? मिस्टर पीकेआर। यस, पीकेआर। वो मैं नहीं हूँ, मैं उनका असिस्टेंट ब्रोनो, वो अंदर मीटिंग में है। हु आर यू? मुझे पीकेआर से मिलना है। ओके। हे, हैंड्स अप, डोंट मूव। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। 50 पैसा कम है क्या? मेरे साथ नाटक कर रहा है क्या तू? मेरे सिर्फ 50 रुपया प्रॉफिट है, वो दे दो ना। आपको देखने के लिए एक आदमी आया। अभी जा जा, नहीं तो मेरा पिस्टल मैं यूज करेगा। दो है ना बस। अरे इसके साथ ऐसा नाटक करना पड़ेगा। यस, कम ऑन।
थोड़े दिनों से मेरा एक बंदा मिसिंग है, उसे ढूंढ निकाल के सेफली मेरे हाथ में वापस करना है। ब्लडी फूल, इतना छोटा सा काम के लिए तू मेरा पास आ रहा है क्या? मेरा स्टेटस क्या होगा? एक लाख का एडवांस, बंदा मिलने के बाद बाकी चार लाख, टोटल पांच लाख। ठीक है, हम उसको लेके आएगा, लेकिन उसका फोटो नहीं चाहिए? नो, उसका जरूरत ही नहीं है। बॉम्बे में गायब हुआ आदमियों का पूरा लिस्ट उठा के हम उनको पकड़ेंगे, उनमें से आप आदमी को आप खुद ही पकड़ सकते हैं। मिस्टर ब्रूनो, कम क्लोजर। ऐसा बकवास मत बोलो, उसके लिए ज्यादा टाइम होगा। ऐसे है क्या? बाय द वे, गिव मी द फोटो। किधर ही देखा जैसा है। हम इसको लेके आएंगे। ये मेरे बॉस का नंबर है, आगे से वही आपको कॉल करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। इसके बारे में और कोई डिटेल चाहिए? नो नो नो, डिटेल्स का जरूरत ही नहीं है, यही बहुत काफी है। ओके ओके, थैंक यू, बाय। मिस्टर ब्रूनो, अगेन कम क्लोजर टू मी। अरे गद्दी, अगर डिटेल्स नहीं है तो कैसा इसको पकड़ेगा? हम जल्दीबाजी में ऐसा बोल दिया। ओह, डोंट रिपीट इट। तू हमारा मोस्ट मॉडर्न टूल्स और हमारा गाड़ी को रेडी करो। okay. उसके बाद जल्दी होटल जाके तू चार पराठा और एक चिकन करी लेके आऊ। मेरे लिए? तुम्हारे लिए एक ग्लास दूध और दो बिस्किट। ओके, खाने के बाद। मेरा जिंदगी में इतना पैसा मैं नहीं देखा है। उसको हम पकड़ने तक हम ये होटल ताज को वापस नहीं आएगा। हमारे इस राज्य में बहुत दिनों से एक स्ट्राइक चल रहा है। इस जगह के सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, उस बात पे और जानकारी देने के लिए बहुत दिनों से उसके बारे में सीखने वाले आदरणीय पी सुरेश को मैं इस अवसर पर मंच पे बुलाना चाहूंगा। हमारा प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा देश के लिए बात होया तो हमारा मन में संतोष हो जाएंगी। मध्य प्रदेश का नाम लिया तो खून तो जल जाएंगे। ये मैंने नहीं लिखा है, ये हमारा गांव में हजार लोगों ने काम के लिए बहुत सोचते रहते हैं। ये सरकार के बहुत जुल्म से हमारा जैसे लोगों को कुछ भी नहीं किया। हमारा गांव को भी एक वाइन शॉप लाने के लिए ये सरकार क्यों मना कर रहे का तो हम सोच रहे, जवाब देना ही पड़ेगी। मेरा भाई और बहनों, आप लोग एक बात समझ लो, रेशन की दुकान में तो झगड़ा जरूर हो जाएंगे, सिनेमा देखने वाले भी क्यू लाइन पे झगड़ा कर लेंगे, लेकिन वाइन शॉप के सामने क्यू लाइन पे रहने वाले एक आदमी भी जरूर किस टाइम पे भी झगड़ा नहीं कर सकते, जरूर सामरस्य लेके जा रहे। इसलिए हम लोग एक मिनट अवसर के लिए यही समय पे और एक मीटिंग को जाना है, हम जा रहे। अरे सुन, इधर आओ। क्या बड़े आदमी का तो समझ रहे क्या? अरे बात करो ना। ओ मेरे दोस्तों, मैं पूरा बार बंद है, ये तो मैंने बाहर से लाया। अब समझ में आया क्या, क्यों चिल्ला रहे का तो? थोड़ा कम है ना। वो सब रहने दो, एक प्रॉब्लम है। क्या है? वो दास पाता है। मेरे बाप, बहुत बात करना चाहता हूँ। आपकी ब्लाउज से मैं सिला के दूँ? चल हट कुत्ते। माय गॉड, क्या कर रहा है ये? अरे चल उठ बेटा, पता नहीं कहाँ से आया ये भी कोई वक्त है आने का? अरे वो आ गया, अरे जल्दी भागो, अरे भागो यहाँ से। आप आता यार, वहाँ से ही आते हो। अरे छोड़ दो यार, हमें बचाओ, भागो भागो। मेरा जान चला जाता। Thank you.
अगर तू एक अच्छा बंदा है तो आगे मुझे नहीं मारेगा। अरे शिवदास, तुम्हें कई बार बोला है गाड़ी सिखाने के लिए ये बाजू नहीं आने का। अगर इस रास्ते से नहीं तो मैं कहाँ जाके गाड़ी चलाना सीखूंगा भैया? अरे गया हफ्ता तुमने बाइक सिखाया ना, उसका हाल देखो क्या हो गया ये लोगों का, समझ गया? उसको नहीं छोड़ो, मारो उसको। इतने लोगों को ही हुआ क्या? मैंने सोचा और बहुत लोगों को लग गई होगी। हेलो, आज कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना? अरे इन लोग का हॉस्पिटल का बिल कौन चुकाएगा, तुम साले? बहुत मेहरबानी, ऐसे समय में आप सब ही है मेरे शक्ति। तुम्हें मैं और थोड़ा समय रुक जाना, एक हफ्ते के अंदर मैं जरूर गाड़ी चलाना सीख लूंगा। बंदूक? बंदूक मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तुम हमेशा मेरे लिए एक समस्या थे, अब इस जगह के लोगों के लिए भी। ये बंदे जी के कुछ भी नहीं करने वाला है, अगर ये लोग फौजी में जाके मर गए तो भी इसके परिवार को कुछ फायदा होते थे। आर्मी वाला पागल हो गया? इसके पास कोई पैसा नहीं है, पूरा गांव में उधार ले लिया था। सिर्फ इसका नहीं, इसका पिताजी भी यही करता है। अच्छा, अगर आपके और पापा के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो आप दोनों मिलके उसको सॉल्व करना। उसका जरूरत नहीं है, अभी मैं तुम्हें देखूंगा। अरे छोड़ दो साहब, आपका तो बांझा है ना ये। तुम छोड़ो, तुम आ जाओ। किसको मारने के लिए ये लोहा? ये लोहे का नहीं है, ये बाइक का क्रैश गार्ड है, जब मैं गिरा ना उससे वो निकल गया था। शिवदास भैया, उधर सूरज भैया को मारे, वो ब्लेड दास सूरज भैया के साथ इधर आ रहे। दास को चाचा जी कहाँ से लेके आ रहा है? इस तरफ से, उस तरफ से? इस तरफ। अच्छा, इस तरफ से। तो हट जा, मैं दिखाता हूँ, थोड़ा हट जाओ ना प्लीज। ए लड़के, तुम्हें इस तरफ आ रहे करके बोलना चाहिए था ना, वो इस तरफ भाग के उसमें फंस जाता था। मार तो काना ही पड़ेंगे ना, वो तो उस तरफ आ रहे, मैं तो झूठ बोला। तू बहुत बुद्धिमान है, बड़ा के फौजी में ज्वाइन करना। अरे खाली दासप्पा नहीं, ब्लेड दासप्पा। अब बोल, शिवदास कहाँ है? देखो भाई, हम उसके चाचा का तो नहीं बोल रहे, वो घर पे नहीं का तो मैं बोल रहा हूँ ना, 3 दिन के पहले हमारा भाई घर को चले गया, बात समझ लो ना। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मेरा बात सुन लो ना। अरे लेकिन तू तो शादी नहीं किया ना? शादी तो मैं नहीं कर लिया, अगर कर लिया तो बच्चे तो जरूर रहेंगे ना, मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता, घर के पास जाने की जरूरत नहीं। तुम क्या बोलेंगे भाई? अगर बात करना है तो भाई के साथ बात करो, नहीं तो हमको बात करो, पैसे देने वाले भैया है ना। हाँ हाँ, हम जरूर हमारा भाई के साथ होगा। एक बात बोलो ना, इसे बोलो उधर, नहीं तो इधर जाने का तो बोल। चलिए बाजू, ये सब खाली पुकट खा खा के थगड़ा हो गया बस। हाँ वो सब छोड़ो, उसके पास नहीं मिले तो भी चलेगा, तू पैसा दे दे, तुम्हारा घर का डॉक्यूमेंट सब मेरे पास है ना, चलेगा। मेरे भाई एक बात सुन लो ना, सुरो भाई वो गांव से आने तक हम थोड़ा वेट करते हैं, अच्छे रहेंगे ना। अरे चाचा, चाचा भाई, दासप्पा तू वही है ना, ये कंफर्म कर रहे हैं गांव से आने वाला रास्ता शॉर्टकट। शिवदास से एक बात बोलो, तुम अच्छे है क्या? हाँ, वो ठीक। बॉम्बे से सूर्य है क्या? वो कौन है? तुम्हारा बाप। अच्छा, मैंने सुना कि दास जी आप मुझे मिलने घर आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको क्यों तकलीफ दूं, तो मैं आपको देखने यहाँ आ गया। तुम खुद चले आए? वो बड़े पापा के घर से। वो अच्छा हो गया। अच्छा है ना भाई, तू सही बोल रहे क्या? नहीं नहीं, वो छोटे लड़के ने झूठ बोल के मुझे इस तरफ भेज दिया। वो तो हमेशा झूठ बोलते रहते, वो बात नहीं पता है क्या तुमको? मुझे नहीं पता था, पर अब मुझे समझ में आ गया उल्लू का पट्टा। हाँ बस 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 बस, बकवास बंद करो, मेरे बारे में क्या बोल रहे तुम लोग? वो क्या है कि भाई, ये पैसे देने वाले अभी तक नहीं आया, इसलिए हम इधर नहीं उधर चले जाएंगे। चलिए बस, हम बस, भी आना है, हम क्या? भी आना है क्या? आओ साले लोग। एक बात बताइए ना, ये दो लोग तुम्हारा सर्वेंट है क्या? बहन कोई शादी कर रहे क्या? मेरा मतलब गाड़ी कंडीशन में ही। अरे बहुत साल हो गए खटारे के बारे में तुम लोग बात करके। अरे मैंने बोला है कि तुमको ये खरीदने के लिए। हाँ हाँ, ये सब गाड़ी लेने से हमारा धंधा तो कम हो जाएंगे ना, प्रॉब्लम तो वही है ना, विदाउट परमिशन ऐसा काम करने से सरकार ने हमको ऐसा किया ना, इसलिए ये गाड़ी को किसको भी हम नहीं सेल कर सकते। वो सब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अभी ये 3 साल हो गया है, मुझे मेरा पैसा चाहिए। देखिए इसमें 5,000 रुपए है, वो प्रिंसिपल से आप काट लेना। अरे ये तो सिर्फ इसका ब्याज हुआ, ब्याज जो मिलता है वो खरीद के लेने का बस। हाँ करेक्ट। अरे आओ दोनों। अरे तू भी आ रहे? अरे हमारा बॉस का चीट करेगा तो। अब तुम किया ना वो काम से, इतने दिन तक मैं जी रहा हूँ ना, वो जिंदगी पूरा बर्बाद हो गया।
अरे बाप तुम क्यों कर रहे हैं ऐसा काम? आज तक मैंने आपको चाचा जी बुलाया है, मेरे मुंह से कुछ और मत बुलवाना। सुनो, आपके बोलने से मैंने ये लॉरी लिया और इसमें बिजनेस भी किया। ये पूरा हमारा गलती है, तुम सबको लिए इतने दिन तक मैं शादी तो नहीं किया, मेरे जिंदगी ऐसा होना ही चाहिए। सच बोलो, आपको लड़की नहीं मिली? हाँ वो बात तो सही है, और तुम ऐसा बात करने से मेरा मन तो फूट गया। जेब में पैसे तो ज्यादा है ना, ये कटिंग के लिए पैसे दे दो। पौवा चाहिए? नहीं दिया था, इधर ही रहा। वैसे रहने दो, बाकी लोगों का प्रॉब्लम किसी को नहीं समझना। बहन के गहने गिरवी रखे, अभी पैसे लेके आए, वो पैसा दास लेके गया। वो तो बड़ी बात है क्या? क्यों? महात्मा गांधी भी उसके साथियों से लेके बीड़ी सिगरेट पी रहा था, वो पता है क्या तुमको? तुम नहीं पढ़ेगा? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। गांधी जी उसका साथियों से साथ हिंदी में क्या बोल दिया पता है क्या? तुम्हारा हाथ में है ना वो कंकन को कट करके कल तंबाकू पीने के लिए पैसों की जरूरत नहीं। मैं पैसे पूछा तो तुम दूंगी क्या? उसके लिए एक आइडिया है, ये दे दूंगा मैं। ये क्या है? रोल्ड गोल्ड। तुम तो देखने के चाला के लग रहे। तुमको मैं एक बात बोलना है रे, इधर आई ना ये वल के ओनर, तुम्हारा बहन और उसका पति यही रात पे इधर आ जा रहे। हाय भगवान, इस बार मैंने वादा किया था कि ये जीजाजी के जानने के पहले मैं वापस दे दूंगा। अरे क्यों डर रहे, ये बैंगल दे दो ना। वो भी ठीक है। पापा ऐसे कहने से उसको कुछ नहीं होने वाला, मैं कह रहा हूँ ना, बाहर जाके किससे मिल नहीं सकता, उतना बुरा नाम है उसका। उसके साथ जो घूमता है वो जब चला जाएगा तब जाके ये अच्छा बनेगा। क्या घूमता है उसके साथ? ओ 40-45 वर्षों से उसके साथ ही एक बंदा है ना, आपका छोटा भाई पॉइंट सूरा, इसका चाचा। हाँ बस हो गया। आहा, मैं उसको बोल दिया अगर वो उस तरफ आएगा तो मैं उसको मार डालेगा। हाँ, अच्छी बात है, इसलिए वो अभी नहीं मिल रहे हैं। और एक बात, मैं इधर आया तो वो इस घर के अंदर नहीं घुसेगा, मैं उन दोनों को मिलने वाला हूँ। सुनिए, ब्रांडी शॉप के आगे जो हड़ताल होने वाला है उसके लिए भी चाचा जी ने उसे खड़ा किया। अरे वो तो हमारा ग्राम का आदमी का विषय है ना, बॉटल खरीदने के लिए टाउन जा सकता है क्या, है ना बेटी? उधार लिए तो क्या हुआ, पिताजी का कोटा तो यहाँ पे पहुँच रहा है ना, है कि नहीं? हाँ आ रही हूँ। सुनो, बेटी ने जो बोला आपने सुना ना, उसके सारे हरकत के पीछे बढ़ावा आप दे रहे हैं। अरे उसका समय अभी ठीक नहीं है जाने मन, शनि भगवान उसका ऊपर बैठा है अभी, लेकिन जरूर एक दिन आएगा, शायद 6 महीने के बाद। हमारा बेटा बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। ये लॉटरी मुझे जरूर लग गया। ये लो सुशील और बाकी दे दो। अरे चुट्टा नहीं है भाई, कुछ दूसरा ले। मुझे कोई किताब नहीं चाहिए, मुझे पैसे दे दो। अरे ले लो यार कुछ। वो छोड़ दो, मुझे ये बिस्किट चाहिए। अरे वो रख दे, खाना नहीं खाना, बस बिस्किट खा लूंगा मैं। अरे कुत्ते को मत खिलाओ। तू जाबे, इंसान को खाना देने से बेहतर है इस कुत्ते को बिस्किट देना। अरे शिवदास तेरे को बोलता है, ये कुत्ता को मत दिलाओ, मत खिलाओ, मत खिलाओ। मैं बोलता हूँ सुशील भैया, मेरे घर पे भी एक कुत्ता है, तू खा ले बेटा, तू खा ले। खा ले। हाँ। इतना भी खाने की जरूरत नहीं, मुझे भी दोपहर के लिए चाहिए। चलो ये क्या सुशील भैया ऐसे भूख रहा है? अरे मैंने तुमको कहा था ना, मत दिया करो, अभी देते रहो, नहीं तो तुम्हें काट के फेंक देगा। अभी देते रहो। इसको देखते है ना, तू आने के पहले ये इसको बिस्किट देखता था। अच्छा, उसका पास का पैसा खत्म हो गया, अभी तुम आ गया हो, वो बच गया, अभी दे दो, तुम देते रहो। आपको पहले ही बोला था ना, क्यों नहीं बोला? अरे मुझे बोलने का वक्त तुम कहां दिया? अभी कुछ बात नहीं है, तुम देते रहो बस, दूसरा कुछ नहीं। मुझे तो जल्दी जाना भी था। तू एक साधारण कुत्ता नहीं है, तू एक चिंपांजी के लिए पैदा हुआ होगा कमीने, मुझे जाना है। अरे गाड़ी रोक। ओके बस। हाँ हाँ, अरे तुमको कहाँ सब ढूंढा, मेरा पैसा भी नहीं देता है, तुम इधर कुत्ता को बिस्किट खिलाता है। पूरा पैसा कुत्ता का बिस्किट मैं नहीं देता। बस 2 मिनट, मैं जरा गाड़ी से पैसे लेके आता हूँ। जाओ लेके आओ। हाँ ठीक है, मैं बच गया। तू तो गया भाई। अरे ये कौन सा है भाई, बड़ा एकदम बढ़िया है। खाओ खाओ, जल्दी आओ। अगर हिम्मत है तो इधर आ जा सपा। अरे साले। ये काटेगा क्या? बिस्किट डालते रहेगा तो काटेगा, नहीं तो तुम भागने का विचार किया तो बस तुम्हारा पीछे पीछे आ जाएगा। अभी क्या करें? अरे कुत्ता सोना पड़ेगा, अभी सोएगा। शिवरात्रि का दिन। शिवरात्रि कब है? अरे शिवरात्रि तो 2 हफ्ता पहले ही हुआ ना, और 1 साल हो जाएगा।
अरे खुशखबर, अपना गांव में वाइन शॉप आ गया है। सही बात है, PKR प्रोफेशनल किलर रोने। बाय द वे, हु आर यू? महेंद्र कुमार। क्या हुआ? हम दिए काम। हमारा ऑपरेशन का पहला स्टेप अभी खत्म हुआ है बॉस, हम जरूर उसको पकड़ेगा। वेरी गुड, इसके बाद वो उधर से नहीं भागना चाहिए। वो जरूर हमारा नजरों से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। सिर्फ कुछ दिनों में हम उसके साथ आपके पास आएगा। गुड, लेकिन उनका बॉडी में छोटा सा चोट भी नहीं लगना चाहिए। ओके ओके, बस हमारा दूसरा प्लान उसको पकड़ने के लिए जल्दी हम आइडिया करना है। ऑफ कोर्स। पहला हम इधर एक अकोमोडेशन लेना है, उसके बाद उसको हम फॉलो करना है। इधर किसी को कुछ नहीं समझना है और हम उसको पकड़ना है। लेकिन बस हम किधर रुकेंगे? मेरा पास एक आइडिया है, इस गांव का बड़ा आदमी के साथ हम कांटेक्ट करना है। वो तो तुम्हारा काम है। हम पागल समझ रहे क्या? अगर ये बड़ा डील है तो आप कर रहे मार खाने के लिए, मैं क्या? ये सब मेरा बीवी जान लिया तो मेरा मुंह पे थूकेगा। यूज़लेस, अगर मेरा साथ अभी पिस्टल है ना, तुमको मार डालेगा। माँ क्या हुआ? आपको पता है ना कि आज सौम्या की शादी है, इसके बीच में लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। पापा ने ये सब कल क्यों नहीं बोला था? तो तुम्हारे पिताजी ने कुछ बोला नहीं? मुझे भी आज सुबह ही पता लगा। अच्छा लड़का है रे, MBA किया है उसने। पिताजी के हाथ में उसका फोटो देखा। फोटो? माँ आप जो भी बोले, मेरे फ्रेंड्स आएंगे तो मैं जाऊंगी। किधर जा रहा है? किधर जाने के लिए ये बात कर रहा था? वो आज उसकी सहेली का शादी है, इसलिए उसे ले जाने के लिए उसके क्लास के बच्चे आ रहे हैं। अब तुम देखने के लिए आ रहे, तुम्हारी माँ को देखे जाएगा क्या? मुझे अभी शादी नहीं करना। इधर देखो, अभी तुम्हारा मन में कोई है तो वो सब अभी भूल जाओ। समझ में आ गया ना? जो हम बोल रहे ध्यान से सुन लो, अगर मेरा बात नहीं माने तो तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। हाँ क्या समझ रखा है तुम दोनों? तू तेरी सहेलियों को फोन करके इधर मत आने बोल, तुम्हारे पिताजी को और गुस्सा आएगा। ये है वो लड़का सत्यशीलन। हेलो, सत्यशीलन स्पीकिंग। मैं मीनाक्षी बात कर रही हूँ। मीनाक्षी हो? कौन सी मीनाक्षी? जिसको आप देखने के लिए आ रहे हैं वो मीनाक्षी। वो मीनाक्षी, मैं समझ गया समझ गया। मैं अभी 20 मिनट के अंदर पहुँच चुका। ना पापा ने आज आने के लिए मना किया है। वो क्यों? मुझे पता नहीं है, पापा है यहाँ पर, मैं देती हूँ। पापा आपके लिए है। कौन है वो? मेरी फ्रेंड्स लोग, वो लोग आ रहे हैं अभी। अब बोलो ना मत आने के लिए। इधर देव, हम बात करेंगे उनसे। हेलो, मेरा बेटी जो बोला नहीं सुनाई क्या? आप इधर मत आओ। सुनिए, ये मीनाक्षी के घर है ना? हाँ, मैं उनका बाप रामनिवास बात कर रहा हूँ। आप ऐसे बोलेंगे तो ये कहाँ की बात है? अरे चुप रास्केल, तुम कौन आए? मुझे मर्यादा सिखाने वाला। और एक बार ये पंचायत के आसपास में तुम्हें देखा तो सबको जान से मार डालूंगा, ध्यान रखो। फोन रखो। अच्छा, ये बहुत बुरी फैमिली है। वो डर गया, ये रामनिवास के बारे में वो नहीं जानता था। और एक बार ये एरिया के आसपास में नहीं आएगा। तैयार हो जाती हूँ पापा। जाओ माँ जाओ। एक अच्छा साड़ी बांध के जाओ माँ। मेरे बेटे कितना अच्छे करके अभी मुझे समझ में आ रहे। हाय मेरे खुदा, आज मेरे को मीनाक्षी के बारे में बात करनी चाहिए। मीनाक्षी, मेरी मीनाक्षी, मुझे चाहिए तो है। हे शिवंकुटी, तुम्हारा ये प्रेम कथा मैं खत्म करूंगा। मेरे से पंगा लेगा तू। वो सब छोड़ो, कल इस समय यहीं पे मिलोगे क्या? नहीं, आज मैं जल्दी आई क्योंकि मेरे क्लासमेट के पापा मर गया इसलिए। तेरा भी एक बाप है ना, वो कोई अच्छा काम करता है क्या? हे शिवदास, बाप को मत चिढ़ाओ ठीक है। ऐसे घूमने की वजह कोई अच्छे काम करने के लिए जाओ, मेरे पीछे आने में से कोई फायदा नहीं होगा। चुका दूंगा, हर कर्जा चुकाने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा। वो कब होगा? तुझसे शादी करने वाला दिन। आर्मी वाले के पास बहुत पैसा होगा ना? सुनो, तुम्हारे बाप को भगवान ने सब कुछ दिया है, पर उसमें सिर्फ एक ही चीज नहीं दिया उसको। वो क्या है? दिमाग।
किधर? वो देखिए, दोनों के बीच में प्यार है, मैंने बोला ना, आप देखिए अब। मुझे नहीं सुनना है। अरे मैं तो, हे भगवान मुझे बचा लो, अभी बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। जल्दी जाओ। मेरा लड़की के साथ क्या बात कर रहे हैं? मैंने बोला बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा। ये क्या बोल रहे हैं तुम्हारे पास? बोला ना कि वो मुझे शादी करेगा। चल घर को, तू चले जा, मैं भी जाऊं क्या चाचा जी? हे मेरा बेटी को उल्टा पुल्टा बोलकर उसे ले जाने के लिए सोचा तो, ये राम निवास के बारे में तू नहीं जानता। ये केस में कोर्ट में हम तुम्हारा बाप लड़ने के बाद हमारा परिवार के बीच में जो था वो सब मिट गया। उसके प्रॉपर्टी लेके उसके ऊपर केस डाल रहे क्या? तुम बीच में मत आओ ना। ओके ओके। मेरे अंदर एक जानवर सो रहे, उसको उठाओ मत। हाँ, आपके अंदर से दो मेंढक आएंगे, मैं क्यों डरूंगा उनसे? ए, क्या टन टन कर रहा अच्छा, है? आप क्या मेरी शादी मीनाक्षी से कराएंगे कि नहीं? उसमें कोई शक नहीं, तुम्हारा जैसा लापरवाह आदमी को मेरा बेटी देके शादी नहीं करूंगा। अच्छा तो चाचा जी आप देख लो, मेरा भी आएगा एक अच्छा टाइम। तुमको आने वाला अच्छा दिन नहीं, एक बुड्ढी मिलेगा। अरे सुरेश, अरे सुरेश, सुरेश। अरे क्यों चिल्ला रहे, मैं इधर ही हूँ ना, नहीं दिखा रहे क्या? अरे अपना शिवदास का लॉटरी ले गया, 50 लाख और एक गाड़ी। अरे मजाक नहीं, वो चाय का दुकान वाला है ना सुशील, वो उसने कहा था, मैंने सुना। हे दूर चलो ना, ये साइकिल रख लेके सुबह सुबह में आ गया। अरे ब्लेड दास है ना वो। अरे ब्लेड दास है तुम्हारा बाप। अबे चुप जब रहो ना, पहले मेरा बात सुन लो ना। अबे कितना पैसा बाकी है बोलो, जल्दी तुम्हारा वो जीप है ना उसमें इधर आ जाओ ना, लेट मत करो। हमारा शिवदास किस किस के लिए पैसे देने है वो सबको भी लेके आना, समझ में आ रहा है क्या? नहीं। अरे गाड़ी ले, अब दिखाऊंगा मेरे चालाकी। अरे लेकिन सुरेश वो शिवदास कहाँ है? वो अपना घर पे नहीं है। तो क्या है यार, उसका गाड़ी है ना, जरूर वो आ जाएंगे। रामकृष्ण ये मैं हूँ देवन, मुझे 2 साल के लीव चाहिए, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं रिसाइन कर रहा हूँ। पहले की तरह मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं है। और एक बात, तुम्हें अगर पैसा चाहिए तो मैं पहुँचा दूंगा। हाँ हाँ तुम रखो, मुझे कोई और आ रहा है। क्या भाई ऊपर बैठे? अच्छा ये पूछने के लिए इधर तक आए? अरे छोड़ो यार, शिवा किधर है? अरे ये लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, इनसे कैसे भी भागना ही पड़ेगा। अरे वो शिवदास, अरे मत जाओ, मैं आ रहा ना, डरो मत, आ जाओ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, डरो मत। हमारे भाइयों बहनों, जिंदगी में कभी भी मुश्किल होगा, आप लोगों नहीं रोना है, क्योंकि हमारा साथ ऊपर वाला है, वो अरे 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 इस तरफ इस तरफ। अगर आपके साथ एक हाथ उठाएगा तो उसके पास हम हाथ नहीं उठाना है। ये अरे उसको पकड़ो, उसको छोड़ो नहीं, एक्सीडेंट करके वो ऐसा ही जा रहे हैं, भगवान तुमको माफ नहीं करेगा। अरे क्या भाई क्या हुआ? अरे बाइक ने टोका उसको। ओहो तो हमारे शिवदास है, कोई भी डरने की जरूरत नहीं, उसके लिए पैसे मैं दे दूंगा, सीधा शिवदास घर पे चले जाना। अरे वो कहाँ गायब हो गया? चल वो देख जा रहा है। अरे मत जाना, मेरा बात सुनो। अरे डरो मत। अरे एक बात बोल रहे, रुकना। अरे ये बाजू से जा रहा है। अरे गाड़ी रोक। अरे शिवदास रुक, थोड़ा धीरे चलना। ये फूटेगा नहीं ना, अगर हाथी भी आएगा तो भी कुछ नहीं होगा। हाथी चढ़ने से भी नहीं फूटेगा। अबे जा रहे वहां से, मेरे सब कुछ। अरे इधर देखो, ये गाड़ी इस तरफ चले गए क्या? हाँ तो ठीक है, ये एड्रेस पे आ जाना, पैसे दे दूंगा। अरे जल्दी गाड़ी निकाल। अरे गाड़ी चलाओ। अरे धीरे चलना शिवदास। अरे देख नीचे से जा रहा है वो। ये जंगल में वो क्यों आया? अरे शायद उसको दो लग गया होगा, चलो देखते हैं अपन। हाँ ये तो अपना जानकी है ना। तुम क्या बोल रहे हैं? सेटअप। ये दो जने ना रहे ना, वो देखने के लिए इतना दूर है क्या? अरे बाबा, अरे अरे उसने मेरी कमर तोड़ दी, कोई तो आके मुझे जरा बचाए। आप चिल्लाइए मत, मैंने गलती से किया था ना। मैं अभी काम पे कैसे जाऊं? हे भगवान, बैंक पे काम कर रहे हैं ना, कैसे बोल रहे? देखो अबे सुन, इज्जत से मुझे पैसे दे दे, वरना फिर मैं जाके केस डालूंगी। तुमको कितना चाहिए? एक 500, नहीं नहीं नहीं, एक 5000, 5000, 5000 रुपए। हाँ वही,
तुम सीधे इसके घर पे आके पैसे ले लो। हमारे घर में आज तक किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं आया था ना। पैसे नहीं, पागल बनती। अरे तुमको तो 50 लाख और गाड़ी का लॉटरी लग गया है। अरे चाचा तो पागल होगा ही ना। लॉटरी लगी? अरे शिवदास को लॉटरी लग गया करके सुशील ने बोला, मैंने सुना। वो टिकट किधर रख दिया है बोलो? मैं घर पे अलमारी के अंदर। तुम पीस तो नहीं देखो, इधर ही कहीं होगा। कहीं तू चाचा जी के घर पे तो नहीं रखा? नहीं, मैंने वहाँ नहीं रखा था। एक बात बताऊं दीदी, हम लोग छोटे छोटे थे ना, उस समय में नहाने के लिए भैया हमको भी लेके गया। एक दिन मैं भी अच्छी तरह स्विम कर रहा, वही समय पे थोड़ा गड़बड़ हुआ, तभी भैया आके हमको सेव कर दिया। वो दिन हमको अच्छी तरह याद है। याद किया तो बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। मंदिर को जाने पे टाइम पे भैया को देख के जाना का तो इधर आया, अब मैं चले जाऊंगा। लेकिन तू मंदिर जाएगा क्या? वाइन शॉप के पहले लॉटरी मिल गया, चले जाऊंगा। अच्छा, ये नदी जो है वो मंदिर के आसपास है क्या? ये पूरा बात उधर सो रहे है ना, उसके पूछो ना, वो बोल जाएगा। मैं आ रहा हूँ। तुम्हारा हाथ देखा तो मुझे डर लग रहा है, क्योंकि अभी हमको पूरा समझ में आया। एक बात तो हम जरूर बताऊंगा, आदमी तो कब देखे भैया अच्छा रहना, दो इधर आए ना, ऐसा कितना काम करे तो उतना पैसे मिलेंगे। मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, वो देख सुशीलन भी आ गया। हाँ हाँ, बुलाओ बुलाओ, आइए इधर देव। हाँ देखा, ये अभी अभी बैंक में लेके जाके तुम्हारा कमीशन लेने के बाद हमें जो चाहिए वो लेके आना। अरे कमीशन? हाँ, शिवन कुटी को लॉटरी लग गया ना। तो ये बात है। अरे लॉटरी लग गया ये शिवदास को नहीं, अपना बार बार शिवदास को। अरे बाप, क्या हो रहा है? तुम ही तो बोले ना शिवदास को लाट रहे गए। मैंने तो सिर्फ शिवदास सुना है। ये मोर मोर है तो इसके पास कोई दांत नहीं है। अरे जाओ 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 जाओ। अरे क्यों डर रहे, अच्छी तरह रहो ना। जीजा जी, जीजा जी, तुम्हारा मैं कुछ कह रहा हूँ। वो जानकी से हम लोग क्या बोला? चाचा जी आपने बोला ना 10,000 रूपए देंगे। वो बात हमको याद है, तुमको भी याद है ना, आप भी ना? शिवदास, तुम्हारा मामू है ना उसमें? क्या नलनी, देख के कितना दिन हो गया, हम केले लेके आए। ए वो केला लेके जाके अंदर डालो, केला तुमको बहुत पसंद है ना, इसीलिए हम 25 किलो लेके आया। बेटा शिवदास, ये केला में केमिकल कुछ भी नहीं डाला, ये एकदम स्वस्थ केला है, अच्छा टेस्ट होगा। किसको भगवान को? केला बोल रहा हूँ मैं। तुम हमेशा बर्फी के बारे में बात करते है ना, तुम अच्छा पसंद है, तुम्हारे लिए हम ये लेके आए, देखो पकड़ो खा लो। हमको कुछ भी नहीं, रुको तुमको अलग से देगा। बेटा शिवदास, गुस्से में तुम्हारा मामा कुछ उल्टा उल्टा बोले तो वो सब तुम मन में नहीं रखना, ये सब तुम्हारे भलाई के लिए है। हम किस लिए इधर बाकी आया तुमको मालूम है क्या? तुमको अच्छे समय आने से तुम्हारा साथ में कोई मामा गीमा नहीं तो ये गांव वाले में क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में। ए इधर आ रहे, कितना मिला उसको लॉटरी में? अरे 50 लाख और गाड़ी। अरे लेकिन इसको नहीं लगा, बार बार शिवदास को। तुमको पल्ली बर्फी बहुत ज्यादा। इधर आओ, वो चावल मूटा केला इधर लेके आओ पहले। ए तुम, तुम्हारा जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगा, ये क्या सोचे? उसका 50 लाख मारती कर देख के मैं इधर बाकी आए करके समझ रहे क्या? केशव, तुम जरा प्यार से समझाओ ना उसे। क्या उसको गला लगा के चुम्मा दूं क्या? अयो, जो मैंने सपने देखा था वो पूरा बर्बाद हो गया। अरे भगवान कुछ करो ना, जैसे भी करना आप ही कर लो, ये सब आपकी वजह से ही है। हमारे साथ चलो। अरे भाई दास, फोन में मैं चिल्ला रहा था ना? वो सब चलेगा। हाँ हाँ, तुमको तो डांटा था ना हमें। अरे वो तो मैं कब का भूल गया भाई। वो तो अच्छी बात है ना। और एक बात भी हम बताए थे ना? हाँ है, मेरा और सब लोगों का पैसा तुम चुकाएगा करके। मैं वैसे बोला क्या? अरे बोला। तो तुम ये काम करो, वो पूरा भूल जाओ। ये क्या हुआ? अरे कहाँ गए ये लोग?
अरे यही है उसका घर, चलो। वो ऐसा क्यों जा रहे हैं? अरे सब लोग मेरे पीछे पीछे आओ, मैं दिखाता है। बस क्या बस, हम रेल पेटी जैसे जा रहे हैं। अरे तुम चुप के हमारा साथ आओ। बस इधर ऐसे नहीं रहेगा इसमें। अरे बोल मत, ये तो पोर हाउस में है। अरे बहन बाय, बहन बाय। बस ये आदमी किधर जा रहा है? ये तो बॉटल लेके आने के लिए जा रहा है। एक बॉटल में क्या होगा भाई, पुअर हाउस ओनर। अरे दस तुम इधर भी आ गया, उस तरफ आए तो नहीं दिखे ना, इसलिए मैं पीछे आके देख रहा हूँ, तुम उस तरफ मत जाओ। तुम तो अच्छे है ना? अभी तुम्हारा नकरा सब मेरे साथ नहीं निकालेगा। अरे देखो ना, इधर तो इडली डोसे कुछ भी नहीं मिलेंगे, उपमा है। अरे वो बात नहीं किया मैंने, तुम्हारा ये नकरा सब मेरे साथ नहीं चलेगा। अरे कुछ काम करो ना यार। अरे कुछ बोला तू? नहीं नहीं वो बात है, थोड़ा बहुत ब्याज तुम लोग से मिला है मुझे। सही क्या? अरे वो आ रहा है, एक्शन। ये नहीं क्रोध। वो तो छोड़ो ना, ये लोग कहाँ से आया, जंगल के आदमी है क्या? हेलो, आई एम डायरेक्टर PKR। आई एम असिस्टेंट डायरेक्टर ब्रूनो। देखो भाई, पहले वो आदमी, उसके बाद तुम बात कर रहे हैं। ये सुपर है। ये लोग थोड़ा दिन इस घर पे रहने वाला है। इस घर पे ना? अरे उसका तो भाड़ा हमने वो चुका है इनसे। बाय द वे, अगर इस हम घर में रहेगा तो कभी भी आएगा और कभी भी जाएगा। ये पूरे बाद में से देख लेंगे। अरे तुम दरवाजा खोलो। पीछे दरवाजा खुला है ना? अरे पीछे का नहीं, आगे का। बाप रे, इस घर का रेंट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन पैसा हमारे लिए बड़ा बात नहीं है। हाथ में पैसे नहीं क्या? ऐसा नहीं, पैसा आएगा जाएगा। आपको मालूम है, सऊदी में हम इधर उधर घूम के 35,000 रुपीस सैलरी हमको मिला था, वो तो मेरा अच्छा टाइम था। थोड़ा जगा देना। काली वैसा ऐसा फिरा तो पैसे देंगे क्या? फूकट में चलने के लिए नहीं, उधर से इधर आने समय सीमेंट मोटा होगा सर के ऊपर, उधर से आने समय सर के ऊपर हालो ब्रिक होगा। वो बात वही क्या? इधर टीवी नहीं है क्या? मैं एक जगह में रहना पड़ेगा तो उधर 15 टीवी होना पड़ेगा। 15 टीवी एक ही घर पे क्या? घर में नहीं, हम रेलवे स्टेशन में रुक रहे ना, उसके बारे में बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, हम स्क्रीन पे रेडी करेगा तो रेलवे स्टेशन का आदमी को देखने के बाद करेगा। अरे भगवान, हमको कुछ भी नहीं पता। अरे तुमको कुछ नहीं समझाएगा, पहले मेरे साथ आइए। जो बोले ना वो सही है, इधर तो रहने वाले और एक आदमी भी है, वो जरूर आएंगे, उसके नाम तो शिवदास, उसके बारे में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं ना, वो सब चलेगा भाई। अरे घर कैसा है, फंसना गया आपको? सॉरी ब्रदर, ये तो बहुत छोटा घर है, एक एसी भी नहीं है, अगर हमको रिलैक्स करना पड़ेगा तो उधर जरूर एसी रखना पड़ेगा। और एक बात बोलो, इधर एक अच्छा टॉयलेट है क्या? नो, ऐसा कचरा करना में रहना बहुत मुश्किल होगा, हमको स्टोरी लिखना है ना, इसलिए आप एक काम कीजिए, वो पैसा वापस दीजिए एडवांस। अरे वापस दे दो। लेकिन वो सब बोलने से नहीं चलेगा, बस बोल रहे ना, दे दो पैसा, निकाल निकाल। अरे निकालो। दास के पास फंस गए चाचा जी भी, यहाँ से कैसे भी जाना है। शिवदास आ गया, शिवदास। एक मिनट मैं आऊंगा। इधर रहता है वो शिवदास, एक नादान है। अरे इतने तक कहाँ था तुम्हें? क्या हुआ यहाँ, क्या प्रॉब्लम? वो है? सब बात में बताएंगे, चलो। हमको इधर रहना पड़ेगा और उसको पकड़ना है, वो पैसा हमको दे दो। अरे आप तो इतना इनोसेंट आदमी है क्या, एक तमाशा हम बोला और आपको समझा नहीं आया क्या? ये तो इतना अच्छा घर है, हम कैसा वापस जाएगा? दरवाजे से लेकर सब सही है। हे भगवान, मैं उन लोग से बात करता हूँ। हमारा ऑपरेशन का दूसरा स्टेप अभी खत्म हुआ। अरे भगवान इतना अच्छा है, ये मोगम्बो बहुत खुश हुआ। अरे तुम ओवर एक्ट नहीं करो, हमारा पसंद क्या है अभी वैसा ही हुआ है। ऐसा कैसा हो सकता है? अरे मेरा गद्दा असिस्टेंट, तुमको एक अच्छा सा प्रॉब भी नहीं समझेगा, गद्दे गद्दे गद्दे। और से हमारा हमारा चारों आंख उसके साथ रखना पड़ेगा इस बात। अरे भैया ये उम्र में नहीं लेना है, थोड़ा देख लो ना। अरे एक वाड़ा दे दो ना यार, हटो ना। शराब लेने के लिए इतना मुश्किल? अबे हो तुम दारू पिया ना, उसका नाम पता है क्या तुमको? अरे भाई जाने दो, हम चले जाए तो अच्छा रहेंगे ना, चलो चलो पहले यहाँ से निकलना पड़ेंगे। मेरे पास है ना, बाकी दो से दूंगा ना, ले लो। ये भी लेना, बैलेंस तो सही है ना? सलसा इतना कॉस्टली हो गया, कल से हम सिर्फ देसी पियेंगे। हाँ चलो बैठ जाओ। चाचा जी आप कहाँ जा रहे हैं?
मोरे तो ना। जरा रुकिए ना, डरो मत तुम, पैसे मुझे मिल गए। क्या पैसे मिल गए क्या? मैं उसके घर जाके झगड़ा की, वहाँ पे एक नौजवान बाहर आके मुझे पैसे दे दिए। अरे भगवान, जीजा जी होंगे वो। देखो उधर कोई भी है क्या? नहीं। और नहीं तो क्या, आस पड़ोस के सब लोग देख रहे थे। जैसे मुझे पैसे मिले मैं गाली गलौज बंद। पैसे क्यों कहती, पूछा नहीं? पता नहीं, मैंने तो कुछ बोला नहीं उन्हें, लेकिन उनको कुछ गड़बड़ जरूर लगा है। तो फिर तुमने वो बाइक एक्सीडेंट के बारे में बोला क्या? मैंने कुछ साफ बोला नहीं। मैं अपने घर वालों के सामने अपना शक्ल कैसे दिखाऊं? देखो ना, कुछ दिन तुम्हारे घर के वालों के मुंह नहीं देखना, सब ठीक हो जाएंगे ना। तुम इधर क्यों आए? मैं यहाँ पे एक बोतल खरीदने आई। अरे भगवान, सभी लोग दारू पी रहे, जरूर पैसे बढ़ जाएंगे ना। जल्दी निकाल। चाचा जी वो देखो, जीजा जी अब सब खुश है ना? ये स्टार्ट भी नहीं हो रहा, क्या देख रहे? चलो, मेरा जान लेगा ये सड़क पे खड़े होके ऐसे काम, इसको मैं ना। हे, पहले गाड़ी छोड़ा। हाँ, चलो चले जाएंगे। हाँ, चलो चलो जल्दी जल्दी भागो मत। तुम क्यों आ रहे? मैं आपके साथ आ रहा हूं। अरे भागो मत, मैं कह रहा हूँ जल्दी भागो मत। चलो चलो, आज मैं तुम्हें मारूंगा। भागो मत, मैं मारूंगा। एक आदमी मारने के लिए धमकी दे रहा था, हम उसके पीछे कर रहे हैं। उसको हम अभी छोड़ना नहीं, हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। फॉलो मी, अभी हम उसको जरूर पकड़ना है। ओके बस। अरे कौन सा बड़ा स्पीड है, वो लड़की भी इधर आ रही है। तेज दौड़ के जानू, वहाँ मत जाओ, इस तरफ आओ। बल बल बच गए। अरे चलो, पहले एक राउंड मारेंगे। चाचा जी सुनो, ये सब आपकी वजह से हुआ है। ओके, ये लोग क्यों आए, यहाँ क्या कर रहे हैं? आप इधर क्या कर रहे हैं? अरे वो एक पागल कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया था। दोबारा ऐसा प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगा, हम उसको ठीक किया है। अरे आप उधर देखो भाई, उधर देखो। अरे देखो ना, उधर देखो। चाचा जी, मेरा जीजा जी। मेरी माँ। मीनाक्षी, ए मीनाक्षी। आज कुछ तो हो गया है। ठीक कह रही हूँ, आ रहे जी। ये क्या है जी? क्या ये क्या है करके मैं पूछ रहा हूँ। ये चिट्ठी है ना? अरे इसका अंदर क्या है? वो मुझे कैसे पता, चिट्ठी आपके हाथ में। इधर देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाना। ए, तुमको समझ में आया क्या? ये तुम्हारी खूबसूरत बेटी का लव लेटर है। लगता है ये आजकल नहीं हुआ। ये एक एक दिन कौन सा ड्रेस पहन रही, वो सब इसमें लिखा है। ये सब कैसा होगा, कौन है वो? मुझे कैसे पता? वो पता नहीं तो तुम्हारे नाम पे लेटर कैसा लिखेगा? मेरी लव लेटर उसके पास कैसे आ गया? मत, वो कौन है बोलो? आप इतनी चिल्लाइए मत, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं चुपचाप वो काम कर रही थी, खत लेके आना जरूरी था। बेवजह अपना बीपी मत बढ़ाओ, जाके देखो किसने भेजा है। तुम अंदर जाओ, मैं देख लूंगा क्या हुआ होगा। आज रात तुम्हारा बाप सोने के बाद हम आके तुम्हें उठाएंगे। इसको सब पता चल गया। तुम्हारा मन का दरवाजा खोलकर मेरे लिए इंतजार करो, मेरा दिल का धड़कन वो करेगी। आज खोल दूंगा, खोल के दिखाता हूँ। पापा, पापा, मैं ही हूँ आपका बेटा। अरे नालायक, तू क्या क्या बदमाश किया अभी, हमारा पूरा फैमिली को बुरा नाम आ गया। अरे तुमको जानू के साथ क्या रिलेशनशिप है? अरे पिताजी, जब मैं बाइक में जा रहा था, बाइक जानू पे लग गया, उसी वजह से वो इतना बड़ा शोर मचा रही है। जैसे आप सोच रहे हैं वैसा कोई संबंध नहीं हमारे बीच। अरे वो इधर आके क्या क्या बात किया मालूम है तुमको? इतना भी दुखी मत होइए। इसमें से दो पेक पी लीजिए, आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। ये लीजिए। ये क्या है? अरे वो तो देवन है यार, उसका तबीयत ठीक नहीं है, वो गिर गया। अच्छा तो ये पकड़ लीजिए आप। पापा, तो मैं निकलूं? अरे रुको ना, इसके लिए पैसे नहीं चाहिए। ये तुम्हारे लिए मैं लेके आया है, हमारा पुजारी पूजा करके दिया है। पापा ये देखा आपने, इतना छवि बांध बांध के मैं खुद का अंडरवेयर नहीं पहन पा रहा हूँ, ये मेरा हालत है। इससे तो बेहतर है मैं कोई मंदिर के बाहर जाके भीख ही मांग लूँ। अरे ये भी तो रख लो ना। किसको अपना शक्ल दिखाऊं मैं, हर समय झनकार की आवाज। अरे तुमको एक बात मालूम है क्या? वो मीनाक्षी का विवाह जल्दी होगा। अरे अरे, शराब अभी तक जिंदगी में नहीं पिए क्या? ये प्यार इश्क इसके बारे में मत सोचो, का तो पहले मैं बोल दिया था ना। बंद करो ना यार, राम मत पियो ना, थोड़ा पानी भी डालो। पियो, तुमको कितना पीना है पियो। प्रेम का निराश कैसा है वो हमको भी मालूम है भाई। बात क्या है? मेरा विवाह का पहला दिन,
हमको शादी करना वो लड़की और एक दूसरे आदमी के साथ चला गया। वो लड़की तुम्हारा बहन है क्या? बताओ। उस दिन तक हमको शराब पीना मालूम भी नहीं, लेकिन उसके बाद हम हर दिन शराब पिया। भगवान हमारा साथ जरूर होगा भाई। तुम सुना है ना, कानपुर गांव में कभी भी शादी होगा मेनू का पहला आइटम शराब ही होगा। तुम जो बोल रहे वो जोधपुर में है क्या? नहीं है भाई। तुम जो बात कर रहे हैं ना वो जोधपुर नहीं कानपुर। अरे वो तो बड़ा बात नहीं है ना, मेनू के अंदर शराब है ना, शादी के लिए क्यों जूस नहीं दे रहे वो? Why don't they change the menu from liquor to normal juice? Please tell that. Explain to me. Come on. क्योंकि शराब पीना बहुत अच्छा है। अरे तू पीना। बड़े आदमी बोल रहे ना, थोड़ा सुन लो, अच्छे रहेंगे। ज्यादा मत सोचना, दाढ़ी के बारे में बताए रहना, थोड़ा सोच लो। ओ, बस आप इतना बड़ा समझदार आदमी करके अभी पता हो गया। एक उसी के समय में एक कटिंग। तुमको पीने के लिए शराब नहीं खरीदा है, उसको टेंशन देके देके ये शराब पी के हम उसको पकड़ने यहाँ से लेके जाना है। अरे नाले तुमको मालूम नहीं, हमारा बॉस का ऑर्डर है, मालूम है? ओ, सारी बात, वो बात मैं भूल गया। इट्स ओके। बस बस थोड़ा पानी मिलाओ। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा भैया। अरे मेरा भैया, पियो पियो, आओ आओ ना, इधर आओ। अभी आपका मन को शांति मिलेगा। हाँ डाल दो डाल दो। हाँ ये तो इतना अच्छी तरह शराब पी रहे। मैं मीनाक्षी को मैं किसी को नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, मैं कभी नहीं दूंगा। अभी हमारा ऑपरेशन सक्सेस हुआ, अब एक छोटा सा पिक डालो ना। ओके ओनली 65 ml। कम ऑन मीनाक्षी। तूने क्यों गोली चलाया? मैंने तो फिर भाग जा यहाँ से, जल्दी भाग। Move. अंदर जाओ। जीवन राज, किसी भी वक्त तुम मर जाओगे। जो लोग तुम्हारे पास हैं वो सब मारना चाहते हैं। मेरे भाई मुझे बचा लो, मैं जीवन नहीं हूं, असल में मैं शिवम कुटी। तुम भार्गवन पिल्ले के बेटे हो शिवम कुटी। जिंदगी में सब लोगों को उल्लू बना के जीने वाला समर्थ है। क्या हुआ, करोड़पति जीवन राज की तरह एक्टिंग करके सब लोगों को बचाएगा? मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, सच में। सर आप कौन हो? एंटनी, एंटनी रोसारियो, IPS, मेरा बहुत करीब दोस्त है जीवन राज। सर ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया है, मैं इसमें फंस गया सर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे कर्जे बढ़ रहे थे तो मैंने सोचा यहाँ से थोड़ा पैसा मिल जाएगा और सब चुका दूंगा। लेकिन अब तुम वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल जीवन राज तुम्हारे घर में है शिवन कुट्टी बन के। इधर तुम्हारी शादी होने वाली, उसी दिन उसका भी शादी होगी, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ। सर वो शादी नहीं होनी चाहिए, मुझे मेरी मीनाक्षी चाहिए। कोई बात नहीं, मीनाक्षी की शादी शिवम कुट्टी के साथ होगी, मैं गारंटी देता हूँ। दिखने में एक जैसे हो लेकिन भी जीवन से तुम में अंतर बनाना तुम्हारा सामर्थ्य है। किसी भी तरह संभालने का तुम्हारा स्किल, वही मुझे भी चाहिए। जीवन को कौन कौन मारना चाहता है वो मुझे जानना है, तब तक तुम जीवन राज हो। क्या बोलते हो शिवम कुटी? अगर मुझे अपनी मीनाक्षी मिलेगी तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं सर। थैंक यू शिवम कुटी। सर एक्सीडेंट में जीवन सर को कुछ? नथिंग सीरियस, मैं गया था जीवन से मिलने। बिजनेस में जीवन का शत्रु रंगस्वामी है। सर इस रंगस्वामी से मेरा भी मुलाकात हुआ था सर, क्या वही आदमी ने? उसके लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो मेरे रडार में है। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक कर दूंगा। अच्छा
मुझे तुमसे थोड़ी जरूरी बातें करनी है। जैसे तुम सोच रहे हो वैसा मैं। आप एक अच्छा आदमी नहीं है, आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मुझे शादी करेगा तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगा, यही बात है ना? वो नहीं, मैं ऐसे है तो मुझे वो सब जिम्मेदारी तय करने के लिए मंजूर है। मैं ये सब पहले कहती तो मुझे पता था कि आप मेरे पीछे से नहीं छोड़ते, सही है ना? जरा सुनो, मैं उसको सब कुछ सच सच बोलना चाहता हूँ और चल अभी छोड़ो, जब आएगा तब देखा जाएगा। बेटा, हे भगवान। भैया डॉक्टर, ये आदमी लिया ना वो तो बहुत डेंजरस पॉइजन, सॉरी कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ अच्छा खुशबू आ रहा है। अरे क्या कर रहा है यार, कुछ पक रहा है? नहीं दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, खाना सब एकदम ठीक होने का, मुझे खाना है पता है। ओ अरे बस कर साले, मेरा नाम खराब कर देगा तुम लोग। अरे अरे थोड़ा खीर खाएगा। अरे 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 भाग जाओ, अरे दोनों हट जाओ। अरे मैं पहले टेस्ट करता हूँ, बाद में तुम टेस्ट करना। क्या हुआ क्या हुआ? इधर देखो ना, क्यों वीडे इधर ही निकल रहे? जाके उधर निकाल, वो इसे दे रहे ना। शिवंगुटी, समय हो रहा है। अरे साहब, पैसा तैयार है ना? जो बात दिया ना वो पक्का है, शादी होने का अगला मिनट आपका पैसा आपको मिलेगा। ओ बस हो गया। दामाद, डरो मत, डरो मत तू। पंडित जी, ये शादी अच्छी तरह हो जाएगी? नहीं, नहीं वो सब नहीं है। वो किधर जा रहा है? अरे मोतने के लिए गया होगा, टेंशन होगा ना। उसके ऊपर एक नजर रखो, तुम जाके देखो। अरे मैं क्यों जाना है वो मोतने का? हे, ताली बनने का टाइम हो गया, जाओ जल्दी जाके लड़की के लेके आओ, जाओ शुरू करेंगे क्या? जाओ गया शादी, पैसा दे। अरे तुम्हारे पास तो बोल दिया ना, तुम घर को आ जाओ। सर, और कितना टाइम वेट करना है?
आपका प्लान क्या है सर? एंटनी सर है ना, वहाँ जाके पूछ लो। शिट, ब्लडी नॉनसेंस। सर, जीवा चेहरा तो कम से कम हमको दिखाओ, किस लिए इधर लेके आए हमको? सर, आप हमको थोड़ा मदद कीजिए सर, हम जरूर जाना पड़ेगा सर। नो, मेरे सवाल को जवाब नहीं देते हुए तुम यहां से नहीं जाओगे। दिस इज टू मच सर, इंक्वायरी आप कभी भी कर सकते हैं ना, ऑलरेडी हम बहुत थक गया है। मिस्टर महेंद्रन, जैसा तुम सोच रहे हो सुइसाइड नहीं है, ये मर्डर अटेम्प्ट है। इट्स अ प्लान्ड मर्डर। अरे सर, क्या बात बोल रहे हैं आपने, खून कर दिया क्या? कौन है वो लोग, किस लिए? उसका जवाब इधर ही है महेंद्र, बंधन से ज्यादा पैसा और दौलत को ध्यान देने वाला तुम जैसा एक व्यक्ति। ये है मारने वाला। ये क्या बकवास बोल रहा है, मैं ऐसा क्यों करना है अंकल? इसके लिए, इसके साथ शादी करने के लिए, बचपन से तुम इससे चाहते थे, लेकिन तुम्हारी इस रंजनी को जीवन से प्यार है करके तुमने जाना। यस, दैट वॉज द फर्स्ट ब्लो एंड दैट प्रोवोक्ड यू। यही तुम्हारा प्रॉब्लम, अभी तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें उससे शादी करना है, लेकिन वो इजी नहीं है। अब तुम्हारा दुश्मन जीवन राज, उसके बारे में जानते हैं ना? ओ, ये कोड़ीश्वर, और तुम बेफिक्र रहो, कुछ करते हैं, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं जो बोलता है वो सुनेगा तो तुम चाहने वाली लड़की तुम्हें मिल जाए। मैं क्या करना है? तुम्हें वो लड़की मिलने है तो जीवन राज खत्म होना है, मेरा बिजनेस बढ़ना है तो जीवन राज का बाप राजशेखर भी खत्म होना है, जीवन ग्रुप सबके साथ खत्म होना चाहिए, बस ये हो गया समझो। तुम और मैं पार्टनर, रंगस्वामी एसोसिएट का 40% शेयर मैं तुम्हें दे देगा। लेकिन ये कैसा होगा सर? बहुत आसान, एक छोटा सा एक्सीडेंट, दोनों खत्म, बस उतना ही। बस तुम्हें ओके है तो बोलो, बाकी ये देख लेगा। अग्रीड। एक भी प्रूफ बचाया नहीं, तुमने राजशेखरन तंबी को मार दिया, लेकिन उस एक्सीडेंट से जीवन राज किसी भी तरह बच गया। जीवन राज को मारने तुम एक और अवसर के लिए वेट कर रहे थे, तब जाके रंजनी और जीवन राज का शादी के लिए, तुम्हारा रंजनी से प्यार समझने के बाद जीवन राज तुम्हारे लिए शादी से इनकार किया और फिर भाग गया, लेकिन वहां भी तुमने उसे फॉलो किया। नो, मैं किसी को नहीं मर्डर किया है, मुझको कुछ नहीं मालूम है, ये पूरा ये इंस्पेक्टर का नाटक है, आप विश्वास मत कीजिए, इट्स अ फॉल्स केस। शट अप यू रास्कल। डोमिनिक सर। रंगस्वामी, ये सब तुम्हारा प्लान था, ऐसा एक क्लाइमैक्स तुमने नहीं पहचाना। शरीफ खान, रंगस्वामी का हेंचमैन, तुम रंगस्वामी के लिए कुछ भी करेगा? हा, अभी कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ इसने बोल दिया है। कल वहां पे शादी होने वाली थी, इनवाइटेड गेस्ट के बीच में ये भी था। तुम्हारा प्लान के हिसाब से इसने सुइसाइड अटेम्प्ट का नाटक करके सब कुछ प्लान किया इसने, और किया इसने। हा? अगर जीवन राज मर गया तो उस संदेश को बेचने वाला कोई होगा करके मेरा जजमेंट था। नगुलन के साथ साथ तुम लोगों का भी नंबर हम ट्रेस कर रहे थे। जीवन राज के देहांत के बाद सिर्फ 2 मिनट, उसके बाद उस विषय को तुम रंगस्वामी को कॉल किया। हेलो स्वामी, मैं विजय बोल रहा हूँ, आप पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए, आप बोल दिया ना वो मैं कर चुका। कल रात से रंगस्वामी मेरे कस्टडी में है, अब क्या कहना है तुम्हें? यस, मैंने किया ये, मेरा कुछ मेरा जिंदगी उसके पास जा रहा है ना, इसीलिए मैंने किया ये। I hated him because I was betrayed and I killed him. वहीं पे तुम्हें मिस्टेक किया, उस दिन एक्सीडेंट के बाद जीवन बन के तुम्हारे सामने कोई और आ गया था, जीवन जैसा दिखने वाला शिवम कुटी।
इस केस को प्रूव करने के लिए तुमने जो एक मिस्टेक किया वही मुझे हेल्प किया था। बार में तुमने शिवंगुटी को मारने की कोशिश की, वो फिर से करने के लिए तुमने मिस्टेक किया, और शादी के बीच में सिर्फ इस्तफाक से इसको शिवंगुटी ने देख लिया। वहां से बाहर आने से पहले हमने इनको कस्टडी में लिया, मतलब शिवंकुटी को जहर देने से पहले। मतलब शिवंकुटी को क्या हुआ था? आइए ना शिवंकुटी, शिवंकुटी उठो। क्या हुआ सर? सब कुछ ओके है। हाँ तुम्हें मीनाक्षी नहीं चाहिए? हाँ, जरूर सर। तो समय पर पहुंचना चाहिए, वेडिंग ड्रेस कार में है। कम ऑन क्विक डॉक्टर। थैंक यू कम ऑन फास्ट। वो किधर जा रहा है? मूतने के लिए गया होगा, टेंशन होगा ना। उसको ऊपर एक नजर रखो, तुम जाके देखो। अरे मैं क्यों जाना है वो मूतने का? हाँ, ये तो दिखने में मेरे जैसा ही है। कम ऑन क्विक। सॉरी मैं बात नहीं कर पा, मैं जाके वापस आता हूँ। शादी का टाइम निकल जाएगा तो रुक किधर किधर भागता है? मैं तुमको दिखाता हूँ किधर जाना है, इधर आ जा। टाइम हो गया शादी का। अगर ये नाटक मैं और शिवंकुटी नहीं किया तो इतना अच्छा एविडेंस हमें नहीं मिलता, और फिर शादी से पहले उसको जीवन समझ के ये शिवंकुटी को मार देता। मैंने जब बोला शिवंकुटी को जहर दिया है तो सारा सच इसने बक दिया। ये सारा नाटक उसके लिए था, और राजशेखरन तंबी का एक्सीडेंट भी मर्डर हुआ सिर्फ इसके वजह से। इसका मतलब जीवा? ही इज वेरी मच अलाइव एंड ही इज हियर। जीवन मैंने हर बार तुम्हें एक सगे भाई के जैसे प्यार किया था ना, फिर भी तुमने। मिस्टर नासर सर, टेक देम ऑल। थैंक्स, मेरे लिए आपने बहुत तकलीफ ली है। हे इट्स माय ड्यूटी, और थैंक्स मेरे से नहीं किसी और से है, शिवंकुटी से। शिवन भाई तुमने जो एहसान किया मेरे पे मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, ये मेरे खुशी के लिए है। शिवन भाई मैं तुम्हारे कैसे मदद कर सकता हूँ? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखा जाए तो आपके वजह से मुझे अपना मीनाक्षी मिली है ना, और फिर ये कर्जे, चाचा जी, दास, यही मेरा दुनिया है, और इन सब के बिना तो ये शिवन ही नहीं है। अच्छा अभी बहुत वक्त निकल गया, अभी वापस जाके ही मुझे दास के सब कर्जे चुकाने हैं। अच्छा और ना नहीं निकल रहा है, ये जरा पकड़ो, और रंजनी से बोलना कि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे मेरे जान आजा। आज उसका पहला रात है। वो नहीं होने दूंगा, उसका वो संतोष समय नहीं होने देंगे। ओके